कल उसे सारे लोग मिलके गए थे, अभी टेलीफोन में बात हुआ और 2 मिनट बाद पता चला गए। कैसे हो गया? क्या हो गया? हार्ट को कोई अटैक कर देगा क्या? ये देखा गया स्टेंट में 6 महीना 1 साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस। और ये जब वापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है, नहीं आती है। थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये स्टेंट तो खराब होगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें एक मेडिकेटेड स्टेंट देना होगा। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? बोलते देखो आपको हार्ट की बीमारी हो गई है। पेशेंट घबरा जाता, बोलते सब क्या करूं? बोलते एक काम करो, मैं एक हॉस्पिटल का नाम लिख के देता हूं, उसमें चले जाओ, बाद वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी जो भी बोलेंगे वो सब करवा लेना। पेशेंट बोलता सर और कोई बात? बोला एक काम कर देना मेरा, उनको बता देना मैंने ही आपको वहां पे भेजा है। हार्ट की बीमारी बहुत फैल गई है, ये बात आपको मालूम है कि नहीं है? आई विल गिव यू द फिगर्स। टुडे द नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स इन इंडिया इज सपोज टू बी अबाउट 7 करोड़। 7 करोड़ पेशेंट है और ये माना जाता है नेक्स्ट 3-4 साल में ये करीब 10 करोड़ आ जाएगी। 10 करोड़ पीपल हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन को इसके संग डिसेक्ट करूं, इंडिया में पॉपुलेशन टुडे सपोजली 100 करोड़, मान लेते 2-3 साल में 120 करोड़ हो जाएगी। नाउ आउट ऑफ 120 करोड़ लेट अस कट डाउन दोज हु आर नॉट हार्ट पेशेंट्स बिलो 25। बिलो 25 वी डोंट एक्सपेक्ट अ हार्ट पेशेंट टू बिकम अ हार्ट पेशेंट। सो बिलो 25 अगर सबको निकाल दूं तो करीब करीब 40 करोड़ निकल गया। अब 80 करोड़ रह गए। इसमें यह देखा जाता है लेडीज लोगों में हार्ट की बीमारी नहीं होती है, बहुत कम होती है। 10 अगर हार्ट के पेशेंट हो तो उसमें से 9 मेल होते हैं, 1 लेडी होती है। तो अगर वो 40 करोड़ लेडीज लोग को निकाल दूं तो अब रह गए 40 करोड़ एडल्ट मेल और उसमें से 10 करोड़ हार्ट पेशेंट। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? Every fourth adult individual is going to become a heart patient from few years from now. और India ऐसे में भी world में अभी topmost है heart की बीमारी में, सबसे ज़्यादा heart की बीमारी India में है। और मैं समझता हूँ ये बीमारी सबसे important बात है, ये preventable है, ये बीमारी को रोका जा सकता है, इसको cure किया जा सकता है और वो भी पूरे body को injure करे बगैर, बिना operation के, बिना bypass, बिना angioplasty के। और इसी के लिए पिछले 15-20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसी के ऊपर लेक्चर देता हूँ। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, मुझे मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज थी और मुझे लगा ये तो यूज होना ही चाहिए। बट अलोंग विद दैट आई फाउंड आर्ट ऑफ लिविंग विच इंक्लूड्स योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग प्रोसेस, आई हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम। मैंने देखा है साइंस एंड आर्ट दोनों को जोड़ दो तब बात बन सकती है। अकेला साइंस सक्सेस नहीं है और अकेला आर्ट सक्सेस नहीं है। और साइंस तो सक्सेस इसलिए नहीं है, एक बहुत सिंपल सी मैं कभी कभी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मेरे को थोड़े दिन पहले कोई मिले आके बोले डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी में देर इज अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, मैंने बोला आपने कहाँ प्रोग्रेस देखा? बोला आगे बम्बई में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 है। मैंने बोला और कुछ प्रोग्रेस देखा? बोला हर हॉस्पिटल की बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैंने बोला और कुछ सक्सेस देखा आपने? बोला हर हॉस्पिटल में आपने रश देखा, इतनी भीड़ देखी आपने? मैंने बोला मैंने देखा है, पर एक बात बताइए ये हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? बोलता हाँ हार्ट के मरीज तो खूब बढ़ रहे हैं। मैं बोला हार्ट का मरीज बढ़ना मेडिकल साइंस के लिए सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। जब पोलियो के पेशेंट खत्म हो रहे हैं तो सक्सेस है, जब स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए हैं तो ये सक्सेस है। हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है सक्सेस की बात हो रही है मेडिकल साइंस के लिए? यस, इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द हॉस्पिटल इज हैपनिंग, दैट आई डोंट डिसएग्री, बट फॉर कॉमन पीपल, फॉर मेडिकल साइंस, इट इज अ साइन ऑफ फेलियर। तो इसलिए मुझे लगता है खाली साइंस से काम नहीं होगा, साइंस के संग आर्ट को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इस संस्था का नाम रखा साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे लोग ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर होके आप कैसे उल्टे रास्ते जा रहे हो? आप लोगों को बोलते हो नो बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, व्हाट इज द, व्हाई आर यू सो मच अगेंस्ट दिस बाईपास, अगेंस्ट दिस एंजियोप्लास्टी, व्हाट इज दिस? और ऐसे कैसे हो गया कि आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर होके चेंज हो गए? और इसके लिए मुझे एक छोटा सा स्टोरी बताना होगा। आई विल जस्ट गिव यू लिटिल ऑफ माय इंट्रोडक्शन इन दिस मैनर। मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, वी आर जैन्स, बट आई ग्रो अप इन द सिटी ऑफ कैलकटा। मैंने वहां से MBBS किया और जब तक मैं MBBS किया था आई वॉज अ हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर। आई इनफैक्ट बिकेम अ हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर। हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं समझता था बस मेडिकल साइंस छोड़ के सब बकवास है,
ये जितना भी योगा नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा ये सब कोई काम की नहीं है, बस मेडिकल साइंस अकेला है जो साइंटिफिक है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, बाकी सब अनप्रूवन है, लोग ऐसे ही कर रहे हैं और कोई कोई में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेडिकल साइंस में फायदा है। अच्छा, ऐसा क्यों मन में आ गया, सोच सकते हैं आप? Once somebody is convinced, it comes into the mind. Convinced कैसे हो गया मैं medical science के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कैसे convinced हुए। हम जब medical college में होते हैं, आपको मालूम है 5 साल की पढ़ाई करनी होती है। पहला 1.5 साल में हमें dead body दी जाती है और dead body को काट काट के पूरी अंदर की सारी चीजों को देखना होता है और उसके संग एक किताब मिलती है। किताब में लिखा होता है dead body को आप यहाँ से यहाँ तक काटो, काट के देखो, इसको हटाओ, स्किन को, स्किन को हटा के एक व्हाइट कलर का पर्दा मिलेगा, इसको फाशा बोलते हैं। अब इस फाशा को काटो, उसको काटा, बोला देखो अब अंदर देखो क्या, इसमें एक आर्टरी है, हाँ एक लंबा सा तार जैसा जा रहा है, आर्टरी है, इसके बगल में देखना एक वेन है, वेन मिल गया, उसके बगल में देखना एक नर्व है, नर्व मिल गया। तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हमने काट काट के 1.5 साल तक हर चीज चेक किया और जो जो किताब में मिला है, लिखा है, वो किताब बुक बॉडी में मिला। इसका मतलब क्या है कि पक्की बात है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। तो कन्विक्शन आना ही होता है कि हाँ मैंने जो सीखा उसमें कोई इफ्स एंड बट्स का चक्कर, जैसे कोई मुझे बोल दे बंबई में ऐसा ऐसा है, जब तक मैं नहीं देखूं जब तक कन्विंस नहीं होगा, जब मैं देखूंगा तब कन्विंस होगा कि हाँ ये बात पक्की है। तो मैंने आई वॉज कन्विंस्ड कि जो मैंने देखा है सब सही है। फिर हमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि हार्ट कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। अच्छा, आदमी को काट के तो नहीं देख सकते, पहले फ्रॉग को काटते थे, मेढक को काटते थे और उसकी ब्रेन को एनेस्थेटाइज करके फिर हार्ट को खोलते थे और हार्ट ऐसे ऐसे बीट करता था। अब हमें एक दवाई दिया जाता था, बोलता है बीटा ब्लॉकर करके दवाई है, ये दोगे हार्ट स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। हम लोग एक ड्रॉप बीटा ब्लॉकर हार्ट में डालते थे और 1 सेकेंड के अंदर हार्ट की स्पीड कम हो जाती थी। इसका मतलब क्या है कि दवाई का असर पक्की है, कोई डाउट नहीं है। फिर हमें बताया जाता था एक एड्रेनालिन करके केमिकल है, जब भी कोई टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो एड्रेनालिन की लेवल बढ़ जाती है और हार्ट की स्पीड को बढ़ा देता है। हमने एक ड्रॉप एड्रेनालिन डाला हार्ट के ऊपर और संग संग हार्ट की स्पीड डबल हो गई। तो क्या पक्का हो गया कि दवाई की असर पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन वी वर गिवन ह्यूमन पेशेंट्स, पेशेंट्स दिया जाता था कि भाई इसको ट्रीट करो। लास्ट के जब हम लोग MBBS के फर्स्ट 5th ईयर में 6th ईयर में होते थे, ट्रेनिंग के पीरियड में हमें पेशेंट दिया गया कि लुक दिस इज अ पेशेंट, यू ट्रीट हिम, हाउ टू ट्रीट, इसकी बीमारी का कारण ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है, फीवर, फीवर फॉर द लास्ट 10 डेज, फीवर की सारी डिटेल ली, लगा मलेरिया होने का चांस है। सो व्हाट डू डू, वी टुक सम ब्लड सैंपल और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसमें मलेरिया जर्म्स मिल गए और जैसे ही मलेरिया जर्म्स मिला, डायग्नोसिस वाज कंफर्म, आई न्यू इट इज बिकॉज ऑफ मलेरिया जर्म्स। मेडिकल साइंस ने लिखा है कि एक दवाई है क्लोरोक्वीन, ये दे दोगे मलेरिया जर्म्स मर जाएगी। 3 दिन का कोर्स दिया, After 3 days पेशेंट से सर वंडरफुल हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई और दवाई बंद, पेशेंट ठीक। इसका मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डॉक्टर को। आई बिकेम अ वेरी हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर कि मैंने जो सीखा इसमें कोई डाउट नहीं है, हर पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ। एंड विद दैट आइडिया मैं कन्फर्म डॉक्टर जब बना, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया, कैलकटा से आई शिफ्ट टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटी कि मेरी लाइफ बदल गई। उस वक्त मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुका था इन हॉस्पिटल कॉल्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विलिंगडन हॉस्पिटल बोलते हैं, और वहां पे मैं OPD में एक पेशेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पेशेंट मेरे पास आए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, आके बोले डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ, मेरे को आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे हार्ट की बीमारी हो गई है। मैं बोला हार्ट की बीमारी मैं फाइनल करूंगा, आप मुझे बताओ तकलीफ क्या आपको, डॉक्टर्स डोंट वांट टू लिसन, आपका क्या बीमारी है, आप बोलो हमें क्या प्रॉब्लम क्या आपको। सो आई टोल्ड हिम आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। ही सेड सर मैं जब चलता हूँ, स्पीड लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होती है, भारीपन होती है। मैंने बोला ये दर्द ये हाथ में तो नहीं जाती, बोला हाथ में जाती है। मैं बोला कुछ सांस फूलना, बोला हाँ मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूँ, जब स्पीड में चलता हूँ तो मेरे को ब्रेथलेसनेस भी होता है। मुझे मालूम था ये हार्ट की बीमारी। मैं बोला ठीक कैसे होते हैं, बस बोला 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप और मेरी सारी तकलीफ ठीक हो जाती है। सो आई न्यू इट वॉज हार्ट प्रॉब्लम। मैंने उनको बोला ये तो हार्ट की बीमारी है। बोले अब मैं पक्का कैसे करूं। मैं बोला ECG करा के लाओ। ECG मैंने देख के उनको बोल दिया, देखो ECG में खराबी आ गई है, आपके पक्की हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं। मैंने बोला कोई घबराने की बात नहीं, अभी सॉल्व करके देता हूं। एंड आई रोट सम 6 टैबलेट्स फॉर हिम। आपने सुना है सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है, 3 टैबलेट्स ऑफ सॉर्बिट्रेट, एक बीटा ब्लॉकर गोली होती है, वो 2 गोली और एक डिस्प्रिन होती है ब्लड पतला करने का, वो गोली दिया। आई गेव हिम 6 टैबलेट्स। द पेशेंट आस्क्ड मी डॉक्टर कितने दिन लेना होगा।
अच्छा कितने दिन का बोलना चाहिए? हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था हार्ट की बीमारी में कभी बताना मत 7 दिन 10 दिन, बताना जिंदगी भर। मैंने जिंदगी भर नहीं बोला, मैं बोला पहले झटके में इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। आई टोल्ड हिम 1 महीने के लिए ले लो, आइएंगे फिर से 1 महीने बाद तब डिसाइड करेंगे। तो द पेशेंट वॉज रीअश्योर्ड, वो चले गए। 1 महीने बाद मेरे पास आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर, आपकी उम्र कितनी है? मैं बोला 25 साल। बोले इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, जिस दिन पहली गोली खाई थी उस दिन से पेन एक बार भी नहीं आया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि उस बीमारी को मैंने ठीक नहीं किया था, उसकी दर्द को मैंने खत्म कर दिया था। पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, ही वॉज वेरी हैप्पी, बट बीमारी ठीक नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है बीमारी ठीक हो गई थी उस दवाई से? उसकी दर्द खत्म हो गई थी, पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने भी डिटेल गया नहीं, मैं भी बोला पेशेंट हैप्पी है तो अच्छा ही किया होगा मैंने। मैंने भी बोला अच्छा कंटिन्यू सेम मेडिसिन, वेरी गुड, कंटिन्यू सेम मेडिसिन और फिर 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने बाद आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब वो पेन फिर से आने लग गया। मैंने बोला आप दवाई खा रहे हो ना? बोला दवाई खा के भी पेन हो रहा है। मैंने बोला घबराने की बात नहीं है, मैंने 3 टैबलेट और बढ़ा के दे दिया, 9 टैबलेट दे दिया और थोड़े दिन वो ठीक रहे। फिर थोड़े दिन बाद आके बोले फिर पेन हो रहा है, अब मैंने 12 टैबलेट कर दिया, फिर 15 टैबलेट किया अल्टीमेटली। और उसके बाद जो सबसे खराब उनके साथ हो सकता था वही उनके साथ हुआ, ही सफर्ड हार्ट अटैक और मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। मुझे याद है मैंने उनको इमरजेंसी से ICU में लेके गया, वहां पे उनको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट दी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक शॉक और क्या नहीं, कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग, 3-4 घंटे तक ICU में हमारे साथ रहे एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड। पेशेंट की डेथ हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, ICU में हर दिन हार्ट अटैक लेके पेशेंट आते थे और डेथ हो जाती थी कुछ लोगों का, कुछ बच जाते थे, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। डेथ सर्टिफिकेट बनाया और रिलेटिव्स को पकड़ा दिया और उनको बोला हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी एंड दे एग्रीड, दे से नहीं आप, मैं देख रहा हूं 3 घंटे से आप कितना कोशिश किए एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट, चैप्टर वॉज क्लोज्ड, बट फॉर मी अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। इस बार मुझे सोचना पड़ा कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा हम लोग डॉक्टर लोग जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता था और डेथ हो जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है? कि ये पेशेंट अगर थोड़े देर पहले मेरे पास आ जाता ना तो मैं बचा लेता, हार्ट अटैक से पहले अगर इस मिल जाता तो मैं इसको जरूर बचाता। जो डॉक्टर इसको पहले ट्रीट कर रहा था वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसी की वजह से हार्ट अटैक हुई है। अच्छा इस बार कौन था डॉक्टर पहले ट्रीट करने वाला? पहले भी मैं था और बाद में भी मैं था, तो गलती हुई हो तो दोनों तरफ से मैं ही। और दिस मेड मी थिंक कि अगर मैंने गलती करके एक पेशेंट को मारा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि वो पेशेंट जब मेरे पास पहले आए थे तो उनका खाना पीना बहुत गलत था, खूब मीट खाते थे, खूब मक्खन खाते थे, ही वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही वॉज स्मोकिंग, ऑल दीज की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। मैंने 6 की जगह 9 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी मैंने 12 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी मैंने 15 टैबलेट लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि मैं आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डाई, एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही काम कर रहे हैं, वो पेशेंट को बता नहीं रहे आपकी ब्लॉकेज हुई क्यों है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दवाई देके छोड़ देते हैं। एंड दैट डे आई वॉज सडनली अपसेट, मैंने नेक्स्ट दिन अपने बॉस को पकड़ा, मैं बोला सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बोले क्या चीज, मैं बोला बहुत सीरियस बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बोले पेशेंट की डेथ, मैं बोला नहीं पेशेंट की डेथ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे लगता है पूरा मेडिकल साइंस गलत चल रहा है, कार्डियोलॉजी पूरी सिस्टम गलत चल रही है। मेरे बॉस ने मेरे को क्या बोला मालूम है? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर से, मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोस, ट्रीटमेंट हो रहा है बीमारी बढ़ रही है कैसा ट्रीटमेंट है? मेरे बॉस ने मेरे को बोला तो तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं? मैं बोला एग्जैक्टली मेरे को ये लग रहा है, पूरा सिस्टम गलत रास्ते चल रहा है। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, यू आर सच अ स्मॉल डॉक्टर, यू आर क्वेश्चनिंग द मेडिकल साइंस। मैं बोला सर मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है अगर बीमारी रोक नहीं रहे हम लोग तो कर क्या रहे। मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, बिमल यू कांट चेंज द सिस्टम, तुम वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। पेशेंट क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा कैसे रहेगा ये अपना हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है, अपना काम है दवाई लिखो बस, चलने दो उनको जैसा चलता है चलने दो, उनकी कंडीशन बिगड़ेगी तो दवाई बढ़ा देना और बिगड़ेगी बढ़ा देना, और हार्ट अटैक हो जाए तो बचाने की पूरी कोशिश करना और डेथ हो जाए तो सर्टिफिकेट देना, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट। एंड दैट डे आई वॉज वेरी अपसेट एंड दैट डे आई मेड अप माई माइंड कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मैंने उस दिन एक काम कर लिया था, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था मैं उसको समझाता था कि देखो ये दवाई मैं दे रहा हूं पर ये दवाई खा के आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं डॉक्टर दवाई लिख के ये बोल रहा है कि आप दवाई खा के कभी ठीक नहीं हो सकते, अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, अपना खाना चेंज करो, एक्सरसाइज करो,
वॉकिंग करो एंड ऑल दैट. माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी, विमल क्या कर रहे हो, कैसे तुम इतनी बकवास क्यों करते हो, अरे पेशेंट को दो मिनट देखो, दवाई दो और जाने दो, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है. बट आई वॉज वेरी कन्विंस वॉट आई एम डूइंग वॉज करेक्ट एंड दिस इज वॉट स्टार्टेड वर्किंग. ग्रेजुअली मैंने देखा मेरे पेशेंट्स बहुत इंप्रूव कर रहे हैं. और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया एमडी करने के लिए. 2 years इन एमडी आई डिड अ रिसर्च वर्क ऑन दिस कि मैं हार्ट के पेशेंट्स को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ. एंड वी स्टार्टेड टीचिंग देम योगा, मेडिटेशन अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस. हमने बोला दवाई चालू रखो, उसके साथ साथ क्या क्या करना चाहिए वो सिखाएंगे. एंड ग्रेजुअली इन नेक्स्ट 2 years आई फाउंड ऑल माई पेशेंट्स वेर इम्प्रूविंग. उनकी दवाइयां बढ़ नहीं रही थी, दवाइयां कम हो रही थी. एंड दिस गेव मी लॉट ऑफ एंथुसियाज्म. मेरी एमडी कंप्लीट होते ही मैं दिल्ली आया एंड आई जॉइंड अ हॉस्पिटल कॉल्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. आपने नाम सुना है. एंड इन दिस हॉस्पिटल आई वर्क्ड फॉर द नेक्स्ट 6 years. और नेक्स्ट 6 साल में हमने यही रिसर्च फिर से चालू किया कि हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, क्या क्या करवाएं कि उनकी बीमारी को हम रोक सकें, उनको हार्ट अटैक से बचा सकें. और इसी वक्त मेरे संग मिलना हुआ डॉक्टर डीन ऑर्निश का. डीन ऑर्निश अमेरिकन डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड को ये दिखा के दिया कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है. देखिए, एक होता है ब्लॉकेज को रोक लेना. मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो हम लोग को ये सिखाया गया था, एक बार हार्ट का पेशेंट हो गया तो हार्ट का पेशेंट जिंदगी भर रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा और बीमारी धीरे धीरे बढ़ेगी और कभी ना कभी हार्ट अटैक होके मारा जाएगा. फिर सिस्टम बदली, बोला नहीं नहीं नहीं, बीमारी को रोका जा सकता है. अगर लाइफस्टाइल बदल जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है. डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने ये दिखा के दिया ना सिर्फ ब्लॉकेज को रोका जा सकता है, ब्लॉकेज को रिवर्स भी किया जा सकता है. मतलब जो ब्लॉकेज बन चुकी है उसको कम किया जा सकता है. और उन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो सकती है. जिस स्पीड से इसने बढ़ाया था उसी स्पीड से कम हो सकती है. एंड दिस वॉज वंडरफुल. उनकी जब हमने रिसर्च के बारे में डिटेल पढ़ा लैंसेट में, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में, देन आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है. और उसके बाद नेक्स्ट 6 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम लोग ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया कि हार्ट के पेशेंट्स को हम कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं, क्या क्या ना सिखाएं. और यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पाया. दिस वॉज अ ट्रेनिंग विच वॉज ट्रीटमेंट, जहाँ पे जैसे हमारे मेडिकल साइंस में हर ट्रीटमेंट हम लोग किताब से पढ़ पढ़ के सीखते थे, पर यहाँ पे किताब में इतना कुछ था ही नहीं. हम लोग ने अपने आप डेवलप किया कि हार्ट की बीमारी में हम करें क्या. और ग्रेजुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. 3 मोटी मोटी चीज़ हमने सीखी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ. एक तो हार्ट के पेशेंट्स को अगर सिखाओ तो लैंग्वेज उनकी उन्हीं वाली होनी चाहिए. मैं आपको बताऊं, अगर मेडिकल लैंग्वेज में मैं जवाब दूं ना तो हार्ट के पेशेंट को कुछ भी समझ नहीं आएगा. एक एग्जांपल देके समझाता हूं. एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप गए और जाके पूछे, साहब वो मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा है, ये क्या चीज़ है, तो बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस है. आपको समझ आ गया ना. आप बोलते हैं सर आई डोंट नो एंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट इज़ द मीनिंग. बोला इसको कोरोनरी एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. अब तो क्लियर हो गई दिमाग में. आप बोलते हैं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन, गिव मी इन सिंपल लैंग्वेज इसका क्या मीनिंग है. तो बोलते चलो सिंपल समझाते हैं, इट इज द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एंगल्फ्ड बाय द फैगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स. अब तो क्लियर हो ही गई ना. आपको समझ आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा ये बात, क्योंकि ये भाषा, ये सारी लैंग्वेज, ये सारे मेडिकल साइंस की है जो आपके आम आदमी के लिए नहीं होता है. तो मैंने पहला काम सीखा कि मेडिकल साइंस को सिंप्लीफाई करो, इतनी सरल कर दो कि आम आदमी समझ सके. और यही मैं करने लगा. पहला काम लैंग्वेज चेंज होना चाहिए. दूसरी चीज मैंने ये सीखा कि अगर हार्ट के पेशेंट को कुछ सिखाना हो तो समय देना होगा. अच्छा, बिना समय दिए ये काम हो सकता है क्या. आप देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के चैम्बर के सामने 50 पेशेंट बैठे हैं और उनको 3-4 घंटे में काम खत्म करना है, तो कितना समय दे पाएंगे. समय दे नहीं सकते. और अगर 2-3 मिनट समय दे भी देंगे तो क्या बता देंगे. मैं बताने की कोशिश किया था 3-4 मिनट में सारी चीज बता दूं. आप देखिए तो आपको समझ आता है क्या. मैं 3 मिनट में आपको पूरी बात बताऊंगा हार्ट की बीमारी में करनी क्या चाहिए. देखिए आपको समझ आता है कि नहीं. मैं हार्ट के पेशेंट को समझाया, देखो ये हार्ट की बीमारी होती है, अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल फैट जम जाती है, तो आप एक काम करना, कोलेस्ट्रॉल कम कर देना, ट्राइग्लिसराइड कम कर देना और टेंशन एकदम खत्म करना और ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर लेना और वजन कम करना. खाने में तेल ही एकदम कम खाना, मीट सब कम खाना और सलाद और सूप ज़्यादा खाना, वॉकिंग जरूर करना, योगा जरूर करना, मेडिटेशन करना, सिगरेट पीना बंद कर देना. अच्छा, ये सब पहले से ही आपको मालूम था या पहली बार ही सुना ये सब बात. वजन कम कर देना, ब्लड प्रेशर कम कर देना, शुगर कम कर देना, कोलेस्ट्रॉल कम कर देना, खाने में फ्रूट्स खाना और तेल घी कट कर देना, मेडिटेशन करना, सिगरेट छोड़ देना, ये सब मालूम था पहले से.
तो ट्रीटमेंट खत्म हो गई या शुरू होने की जरूरत है? इट डज नॉट वर्क, इतना बोलने से नहीं होगा। अगर हार्ट का पेशेंट को मैं बोलूं कोलेस्ट्रॉल कम कर देना, वो बोलता साहब कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़ है तो समझाइए, कौन सी खाने में कितनी कोलेस्ट्रॉल है ये समझ आए, और क्या क्या करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है इतनी समझ आए, तब तो हम कुछ कम करें। मैंने बोल दिया ब्लड प्रेशर कम कर देना, वजन कम कर देना, अरे वजन कैसे कम करूं ये तो डिटेल बताइए। अच्छा ये सब बताना जाए तो क्या चाहिए हमें? समय। मैंने एक बात और रियलाइज़ किया कि बहुत सारा समय की ज़रूरत है, और धीरे धीरे हमने 3-4 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप डेवलप किया कि 3 दिन हार्ट के पेशेंट के पीछे लगाओ और उनको सारी बातें समझाओ, एक एक करके समझाओ, तब उनके बात सर पे उनके दिमाग में घुसे सारी बात। ग्रेजुअली मैंने देखा पेशेंट को सारा समझ आने लगा, लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया, समय ज्यादा लिया, एंड ग्रेजुअली एक चीज और मैंने देखा जो है प्रैक्टिकल। हार्ट के पेशेंट को अगर मैं कुछ कराऊं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर मैं उसको बोल दूं खाने में तेल बंद कर देना, खाने में घी बंद कर देना, तो वो क्या करता है? बॉइल्ड खाना खाता है। ऐसा सुना आपने नाम? अच्छा बॉइल्ड खाना कितने दिन तक खाएगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बॉइल्ड खाना 10 दिन खाएगा, 20 दिन खाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर प्रैक्टिकल हो तो क्या करना होगा कि खाना बिना तेल का होगा पर उसमें टेस्ट पूरी की पूरी होगी, तब ये हो गया प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल करना है तो टेस्ट पूरी होनी चाहिए, एंड ग्रेजुअली वी फाउंड आउट कि खाना वही बन सकता है बिना तेल के और टेस्ट वहीं का वहीं हो सकता है, एंड दिस बिकेम प्रैक्टिकल। ग्रेजुअली मैंने देखा बहुत सारे नए नए चीजें हम लोग को इन्वॉल्व करना होगा, एंड वी अल्टीमेटली फॉर्म्ड अ कंप्लीट 3-डे ट्रेनिंग कैंप। 3 दिन का हमने एक ट्रेनिंग डेवलप किया कि 3 दिन तक पेशेंट हमारे साथ बैठे, मैं एक एक चीज उसको समझा दूं, और पेशेंट अपने साथ वाइफ को जरूर लेके आए क्योंकि वाइफ को कुकिंग क्लासेस कराने लगा मैं। मैं बोला नहीं खाना बनेगा कैसे, आपको मैं खिलाऊंगा पहले। मैं 3 दिन उनको 0 ऑयल का खाना खिलाता था, टेस्ट पूरी होनी चाहिए, और टेस्ट खा के बोलते थे सब अगर ऐसा खाना बन जाए बिना तेल के तो मैं बनाना सीखना चाहता हूं। फिर हम बना के सिखा के देते थे, एंड देन दे विल गो होम, और वो बिकेम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तब होगा जब ये घर पे प्रैक्टिकली हो सकता है। योगा में भी मैंने देखा, हार्ट का पेशेंट को बोल दो योगा करो, देखिए कैसे एग्जांपल बोलता है। मैंने एक हार्ट के पेशेंट को बोला देखो आपको योगा करनी पड़ेगी। अच्छा वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं तो करूंगा। कितने देर करना होगा? आधा घंटा। ओके दवाई लिख के दे दिया। सो ही वेंट बैक, 1 महीने बाद आए, मैं बोला आप क्या क्या कर रहे हो? बोला देखिए दवाई खा रहा हूं, योगा कर नहीं रहा हूं। मैंने बोला क्यों नहीं किया आपने, बात तो हुई थी आपकी। बोला नहीं मैं योगा करने गया तो मुझे याद आया कौन सा करूं कौन सा ना करूं ये तो डॉक्टर ने बताया नहीं है, अगर कुछ हो जाए गड़बड़ हो जाए तो मैं फिर कैसे करूं। मैंने सोचा मेरी हार्ट की कंडीशन के हिसाब से कौन सा योगा करना है मालूम नहीं है तो इसको हम रोक दो। अच्छा गलती किसकी है? डॉक्टर की है, बताना चाहिए ना क्या करना चाहिए। मैंने बोला मेरी गलती है, मैं आपको लिस्ट बना के देता हूं। मैंने लिस्ट बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे ये आसन होंगे, ये मेडिटेशन होगा, ये प्राणायाम होगा, और चले गए पेशेंट। नेक्स्ट 1 महीने बाद आए, मैं बोला अब क्या क्या कर रहे हो आप? बोला योगा कर नहीं रहा हूं, आपकी दवाई खा रहा हूं। मैं बोला अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बोला कैसे करना होगा ये तो आपने सिखाया नहीं था। देन आई रियलाइज्ड अगर सिखाना है तो सामने करवाओ और फिर घर जाके इसको करने का बंदोबस्त करके दो, एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मेरे पेशेंट इंप्रूव करते गए। अबाउट 300 पेशेंट्स मैंने इंप्रूव किए, एंड दीज पीपल वर ऑल स्लॉटेड फॉर बाईपास एंजियोप्लास्टीज, और उनको करना नहीं पड़ा। और इसी वक्त मेरे संग मिलना हुआ डॉक्टर डीन ऑर्निश का। डॉक्टर डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर है वर्ल्ड में जिन्होंने मेडिकल साइंस को ये दिखा के दिया कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। देखिए आज से 25 साल पहले मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो हमें भी सिखाया गया था वंस अ हार्ट पेशेंट ऑलवेज अ हार्ट पेशेंट, उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर मेडिकल साइंस ने ये माना कि नहीं नहीं बढ़ना जरूरी नहीं है, अगर आप मेडिकल साइंस के जितने कारण है उसको ठीक कर लोगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं पर जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे। और डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर है जिन्होंने ये प्रूफ करके दिया अमेरिका में कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, एंड दिस वी वर फाइंडिंग आउट इन आवर रिजल्ट। मैंने 91 में जब पता चला डीन ऑर्निश के बारे में आई ऑल्सो बिकेम हिज एसोसिएट, और उनके वहां जाके मैंने ट्रेनिंग लिया, एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। 95 में मुझे लगा कि ये बात अगर 300 लोगों में हो सकता है तो 3000 में भी हो सकता है, 30000 में भी हो सकता है, और मुझे लगा मैं रिजाइन कर दूं, एंड आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई सेंटर, और इसका नाम हमने रखा था साउल हार्ट सेंटर। दिल्ली में एक छोटा सा जगह लेके हमने ये सेंटर खोली थी, और उसके बाद मैंने कभी वापस नहीं देखा। मुझे याद है पहला कैंप मैंने किया था 7 लोग थे, 7 people, but gradually started working. Some people from Bombay went after 2 years to Delhi. उनको बाईपास बताया गया था। मुझे याद है एक पेशेंट थे वो यहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल में दिखाया, उनको बोला भाई आपको बाईपास जरूरत है। अच्छा जब बाईपास जरूरत है तो फिर करना होगा। He decided to go for a bypass surgery. अच्छा बाईपास के पहले क्या करते हैं ना, सबको फोन करते हैं रिलेटिव्स को, भाई आप
जान लो हमारे बाईपास करने जा रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे आपने तो बताया नहीं बाईपास करा लिया। अच्छा सबको बताया तो एक रिलेटिव ने बोला बाईपास क्यों कराते हो, अरे एक एंजियोप्लास्टी है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वो उसमें चलेंगे। वो एक लेके गए दूसरे डॉक्टर के पास सेम हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं बाईपास नहीं कराओ एंजियोप्लास्टी कराओ। द पेशेंट वॉज कंफ्यूज ही कैंसल्ड बोथ ऑफ देम। उसने बोला ये क्या चक्कर है, एक ही डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में, एक बोलते बाईपास कराओ एक बोलते एंजियोप्लास्टी कराओ, और वो चाहते नहीं थे उनकी बॉडी कटे। देन ही हर्ड दैट इन दिल्ली देयर इज अ डॉक्टर हु डज बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट। ही वेंट टू दिल्ली और दिल्ली में जाके कैंप किए, बोले डॉक्टर साहब अगर मैं इंप्रूव कर गया तो मैं बंबई में आपका कैंप कराऊंगा। एंड आफ्टर 3 months ही कॉल्ड अप कि डॉक्टर साहब मैं जितना मर्जी चल सकता हूँ, आप बंबई में कब कैंप करोगे। एंड वी स्टार्टेड माई बंबई कैंप फर्स्ट एंड देयर आफ्टर आई नेवर लुक बैक। मैं बंबई किया, फिर कलकत्ता किया, फिर चेन्नई, और उसके बाद ऑल ओवर द कंट्री वी स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग कैंप्स। एंड टुडे वी गॉट अबाउट 16,000 पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री जहाँ पे हम लोग। और कुछ दिन पहले मैंने बांग्लादेश ढाका में कैंप शुरू किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। ग्रेजुअली ये बात बनती गई, लॉट ऑफ पीपल, आई डिड नॉट गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई कोलीग्स, मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनसे सपोर्ट नहीं मिली, पर हमारे पेशेंट कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया, जनरल पब्लिक सपोर्ट किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। और यहाँ से हम लोग ने शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। मैंने बोला जितनी बातें मैं बता सकता हूँ उसको किताब में भी लिख देता हूँ। वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग सीडीज वीडियोज एंड इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। और आज मैं यहीं पे हूँ आपके पास, ऐसा ही लेक्चर मैं बहुत सारे जगह देता रहता हूँ एंड टुडे आई एम हियर। दिस मे बी मेरे 5,000वें लेक्चर होगा, बट नेवरदलेस अब हम लोग असली टॉपिक में जाना चाहते हैं। अभी तक मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि हमने कैसे करके ये प्रोग्राम को डेवलप किया। वीव गॉट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको हमने बाईपास एंजियोप्लास्टी से रोक दिया है, हार्ट अटैक से रोक दिया है। Now we are going to the real topic. हम आपसे अब असली टॉपिक में बात करना चाहते हैं। This was kind of background. अब चलते हैं ये बीमारी में हम आपसे क्या बात करेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन 3 subjects. फर्स्ट इज व्हाट इज हार्ट डिजीज। आपको क्या लगता है हार्ट की बीमारी के बारे में आपको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? Yes. डॉक्टर को, डॉक्टर तो जानते ही है पर आपको जानना बहुत जरूरी है। आम आदमी अगर हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन बीमारी है इसको तो जानना चाहिए। सो माई फर्स्ट जॉब वुड बी टू एक्सप्लेन कि आपको हार्ट की बीमारी होती क्या है। अच्छा हार्ट की बीमारी होने के बाद आदमी ये भी जानना चाहेगा सर ये बीमारी होती क्यों है, ये बताइए कारण बताइए हार्ट की बीमारी होती क्यों है, कि वो कारण को हम हटा लेंगे कि बीमारी ना हो। सो दिस इज द सेकंड टॉपिक, कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, व्हाट आर द कॉजेस जिसके वजह से हार्ट की बीमारी होती है। एंड थर्ड टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक इज हार्ट अटैक। हार्ट का पेशेंट सबसे ज्यादा डरता है हार्ट अटैक से। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, जिसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये होती क्या चीज है, ये हार्ट अटैक कैसे होती है और क्या करें कि हार्ट अटैक कभी नहीं हो। मैं आपको बताऊं एक हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसको 100% रोका जा सकता है अगर आदमी इसका केयर ले ले, और ये ऐसी बीमारी है जो इतनी फैल चुकी है तो इसको रोका क्यों नहीं जाए। तो मेरी ये 3 topic में मैं आपसे बात करूंगा। पहला हार्ट की बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है, और कारण हटाओगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी बहुत और बताना चाहूंगा, आजकल हमारे जो कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल है वो इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं और कुछ लाइन में, वो बॉडी को काट के ऑपरेशन करके ठीक करना चाहते हैं, और इसके मैं खिलाफ हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा आज के हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और मेरी एक प्रिंसिपल है कि बॉडी को काटे बगैर जो भी ट्रीटमेंट करना है करो, आवर बॉडी इज द नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट और इसको काटना नहीं चाहिए। देखिए कार है, एक खराब हो जाए आप नया खरीद के ले आएंगे, बॉडी को खराब हो जाए तो आप नया नहीं खरीद सकते, ऐसी कोई जिंदगी भर चलाना है, तो इसको बिना काटे रखेंगे उतना अच्छा है। मैं जानता हूं नेचर को छेड़ना कभी अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है मैं आपको बताता हूं, एक फूल से, एक पेड़ से एक फूल तोड़ के देता हूं, मैं आपको बोलता हूं इसको जाके वापस लगाइए, आप लगाएंगे? नहीं लगा सकते, बिकॉज नेचर को एक बार तोड़ दिया वो टूट गया, वो फिर वही का वही कभी नहीं कर सकते आप। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अनार खाया है कभी? अनार पोमोग्रेनेट आपने देखा उसमें दाने फिक्स किए हुए, नेचर ने कैसा पैकिंग किया आपने देखा कभी? अच्छा मैं ऐसा करता हूं उसके दाने सारे खोल देता हूं और आपको बोलता हूं आप रीपैकिंग वैसे का वैसा करके दे दो, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी लगाओ और वैसे का वैसा पैकिंग चाहिए, कर देंगे आप? कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बॉडी को काट के वही का वही पैकिंग हो सकता है वापस? एग्जैक्टली कभी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं हमारे बॉडी को छेड़खानी नहीं करना, और सबसे बढ़िया बात है बॉडी हील कर सकती है। हील करने का क्या मतलब है, कार मर्सिडीज कार में एक स्क्रैच कर दीजिए और मेरे हाथ में एक स्क्रैच कर दीजिए, और एक साल बाद आके देखिए मर्सिडीज कार की स्क्रैच वहीं की वहीं है और ये वाली
ठीक हो गई, क्यों ठीक हो गई, बॉडी 10 दिन में ठीक कर लिया। एक हड्डी टूट जाती है, हम लोग करते हैं क्या, इसको प्लास्टर करके ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बोला अंदर, बोला वो अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एक रूल है, स्टेटस को नहीं रखना, इसको इंप्रूव करना है। हम लोग हार्ट के पेशेंट को ये बोल रहे हैं कि हार्ट की बीमारी का कारण आप हटा लो, फैट सप्लाई बंद कर दो और लेट द बॉडी विड्रॉ द ब्लॉकेज फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस वर्क्स सो वेल। और दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल आई एम फॉलोइंग, कि ब्लॉकेज को आप रिवर्स करो और ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए करना क्या चाहिए, कैसे हम लाइफस्टाइल से हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसके संग दो और ट्रीटमेंट के बारे में मैं हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूँ। एक आजकल नई ट्रीटमेंट आ गई है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास का क्या मतलब है, हमारे हार्ट में गॉड ने, भगवान ने ऑलरेडी कुछ नए ट्यूब्स डाल के रखे, एक्स्ट्रा ट्यूब्स डाल के रखे। ये ट्यूब स्पोर्ट्समैन का चालू हो रहता है। आपको मालूम है स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल आदमी में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल आदमी 2 मिनट भागने जाता है उसका सांस फूल जाता है, और स्पोर्ट्समैन 2 घंटा भागता है उसको सांस नहीं फूलता। क्यों? उसके हार्ट में जितने एक्स्ट्रा ट्यूब्स थे सबने उसने खोल लिया, उसने दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज करके सारे ट्यूब्स को खोल दिया है। एक मशीन ऐसी निकली है जिससे सारे ट्यूब्स आप खोल सकते हो। तो हार्ट के जो ओरिजिनल ट्यूब्स है वही खुल जाए तो आगे से बाईपास करने की जरूरत ना पड़े। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ये आजकल कुछ मशीन आ गई जो बॉडी को बिना काटे ये किया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी है जिससे हम कुछ केमिकल डाल के ब्लॉकेज को घटा भी सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस, पर पहले चलते हैं हार्ट की बीमारी क्या है। चलिए शुरू करते हैं, हार्ट क्या है, टेल मी व्हाट इज हार्ट। इट इज अ पंप। कितनी बड़ी साइज होती है पंप का? मुट्ठी के जितना बड़ा, मुट्ठी से थोड़ा बड़ा। बच्चों का होता है मुट्ठी जितना, हमारा होता है समथिंग लाइक दिस। हार्ट का साइज होता है एप्पल के जितना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हार्ट कैसा होता है। देखिए हार्ट कहाँ पे रखी होती है, दिस इज व्हाट अ हार्ट इज। ये देखिए हमारी चेस्ट है और दोनों तरफ ये क्या है, लंग्स, लंग्स, एंड दिस इज वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड। हार्ट का काम क्या है, पंप करना। किस चीज को? ब्लड को। कहाँ? पूरे बॉडी को ब्लड देना। एक बार हार्ट पंप करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हार्ट रखा होता है, और ये हार्ट जब पंप करती है, ये हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करती है तो यहाँ से ब्लड निकलती है, पूरे शरीर को ब्लड चली जाती है। और जब पूरे बॉडी को ब्लड देती है हार्ट, अच्छा हार्ट कितने बार पंप करती होगी? एक मिनट में 72 times, एक मिनट में 72 times, एक घंटे में 72 into 60, 4300 बार, और 24 घंटे में 4300 into 24, 1,00,000 बार। याद रखिए आज शाम को 7 बजे से कल शाम को 7 बजे तक आपकी हार्ट 1,00,000 बार पंप करेगी। अच्छा इसके बीच में एक ब्रेक दे सकते हैं ना, 2 मिनट का, उसको ब्रेक दे दिया तो पूरी ब्रेक, सो नो ब्रेक फॉर द हार्ट। तो याद रखिए हार्ट को जिंदा कैसे रखेंगे फिर, हार्ट को क्यों नहीं ब्रेक मिलेगा, क्योंकि हार्ट को भी कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए। एक बात याद रखिए, हार्ट का काम है यहाँ से पंप करना और यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी को चली जाएगी। और इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 छोटे-छोटे ट्यूब लेता है, और ये ट्यूब्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और उसी ब्लड के जरिए हार्ट कंटिन्यूअस चलते रहती है। और ये सप्लाई अगर बंद हो जाए तो हार्ट की बीमारी हो जाती है। सप्लाई बंद हो जाए मतलब ये जो 3 ट्यूब आपको दिख रहा है इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज, और इनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाए तो क्या होगा, हार्ट की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसी को ही बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, जिसके करीब 7 करोड़ पेशेंट इंडिया भर में हैं। उसका बीमारी का नाम हो गया कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसको बोलते हैं एंजाइना, इसको बोलते हैं इश्कीमिया, इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। और इसी बीमारी को हार्ट अटैक से ही माना जाता है। इस बीमारी में क्या होती है कि ये 3 ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाती है। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए और एक बात बता दूं, अगर 100 पेशेंट हार्ट का कोई देखता है डॉक्टर, उसमें से 98 पेशेंट तो ब्लॉकेज वाले होते हैं। 1-2 और रह गए, कौन होंगे बताइए? तो आपने सुना होल इन द हार्ट, हार्ट में छेद है। आपने सुना वाल्व खराब हो गया। 100 में से 1 या 2 होती है वाल्व और होल वाली, बाकी 98 पेशेंट होते हैं ब्लॉकेज वाले। तो मैं आज लेक्चर जो दे रहा हूँ वो ब्लॉकेज के ऊपर दे रहा हूँ, कि हार्ट के ब्लॉकेज क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। चलिए एक बार उस ट्यूब 3 ट्यूब को देखते हैं। ये देखिए हार्ट यहाँ से पंप करता है, पूरे बॉडी को ब्लड देती है, अपने लिए हार्ट लेता है RCA, ये राइट साइड में RCA, लेफ्ट में LAD और लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये जो 3 ट्यूब है इन्हीं के अंदर चर्बी जमती है। अच्छा ये चर्बी जो जमती है आपको क्या लगता है कब से जमना चालू हो जाता है, कौन से उम्र से ब्लॉकेज शुरू हो जाती होगी, कितने दिनों में हो जाती होगी? याद रखिए बच्चा जन्मता है इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता रहता है ऐसे, कितने साल तक? 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल,
समझ लीजिए तब तक ब्लॉकेज ना भी हो, पर जब ये ब्लॉक एक बार इसका बढ़ना बंद हो जाए तब तक तो जो भी फैट खाते हैं बढ़ने में यूज हो जाता है। अब जब ये बढ़ना बंद हो जाए, अब जो फैट खाएंगे वो कहाँ जाएगा? दो काम कर सकता है, एक इधर बढ़ा सकता है और अंदर बढ़ा सकता है, कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। तो 18-20 साल के बाद ब्लॉकेजिंग चालू हो जाती है और उसी वक्त से आपको रोकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो लेक्चर है सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फॉर एवरीबडी। अरे आज आप 18-20 साल के हो गए तो आपके लिए तो अब चालू हो गया ना, अब आपको फैट अंदर ग्रो नहीं करेगा, आपको बॉडी को ग्रो नहीं करने देगा, अब तो अंदर जाके ब्लॉकेज चोकिंग करेगा, एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट वांट। तो ये जो ब्लॉकेज है ये शुरू होती है 20 साल के बाद से, और देखिए कैसे ग्रो करती है। दिस इज थोड़ा 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 थोड़ा। अच्छा मान लेते हैं 80 ब्लॉकेज हो, उसके बाद पता चलेगा। क्यों बोलिए तो? व्हाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हार्ट डिजीज टिल 80 ब्लॉकेज? क्योंकि हमारे हार्ट में 20 की ही जरूरत है और सप्लाई 100 का दिया हुआ है, हार्ट को 80% एक्स्ट्रा ब्लड दिया हुआ है, सो 20 इज देयर, देयर इज नो शॉर्टेज। तो 80% ब्लॉक हो तब तक कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा हार्ट की जरूरत भी तीन तरह की होती है, सोच के देखिए आप। एक आदमी बैठा है, एक चल रहा है, एक दौड़ रहा है, किसको ज्यादा जरूरत है? दौड़ने वाले को 30 जरूरत है, चलने वाले को 20 जरूरत है और बैठे वाले को 10 जरूरत है। तो कोई चलता फिरता रहता है उसकी 20 खाली है, 20 खुला है तो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी कंप्लेन। तो जिस दिन एक पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दर्द है तो क्या समझ जाना चाहिए? 20 भी उसके पास नहीं है, मतलब 80 से ऊपर ब्लॉकेज हो चुकी। तो अच्छा पेशेंट डॉक्टर के पास कब पहुंचेगा? 80 के बाद ही तो पहुंचेगा, उसके पहले तो बोलेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आई एम वॉकिंग, आई एम मूविंग अराउंड, मैं तो पूरा काम करता हूं, मैं तो गाड़ी चलाता हूं, मैं तो हर काम करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कॉल्ड नो प्रॉब्लम। पर ब्लॉकेज फिर भी 80% तक हो सकती। अच्छा एक बात सोचते हैं, एक आदमी को 60 साल की उम्र में हार्ट का पेशेंट बन गया, उसका शुरुआत कब हुई थी ब्लॉकेज? 20 साल की उम्र में। तो 20 साल से 60 साल 40 साल लगे 80 ब्लॉकेज करने, तो क्या स्पीड रहा उसका? 40 साल में 80 ब्लॉकेज, 2% पर ईयर। अच्छा कोई इसको फास्ट करना चाहे तो? कोई बोलता नहीं सर 2% पर ईयर इज टू स्मॉल, मैं 4% पर ईयर करना चाहता हूं, तो क्या होगा? कितने साल में काम पूरा होगा? 40 साल में, 20 साल की उम्र में चालू किया और 20 साल में काम पूरा कर लिया। ऐसा होता है क्या आजकल 40 इयर्स में हार्ट का पेशेंट? वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। अच्छा कोई ऐसा भी होता है क्या जो 6% तक भी जाना चाहता है? यस देयर आर सम पीपल नाउ जो बोलता है नहीं 4% इज टू स्लो, 4-6% ग्रोथ होना चाहिए मेरा हर साल, एंड 20-25-30 साल में वो हार्ट का पेशेंट बन जाता है। नाउ सच पीपल आर देयर और नॉट? यस यस यस। जब एक आदमी ऐसा होता है कि लोगों को सपोर्ट करने लगे, उस वक्त वो खुद ही सपोर्ट मांगने लग जाता, हार्ट अटैक हो जाती है। सो रिमेंबर हार्ट की बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है और इसका, अच्छा ये ब्लॉकेज आपको क्या लगता है किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना, ये हमारे अपने हाथ में, हम उसको रोक सकते हैं, खाली उसको मालूम होना चाहिए रोकना कैसे है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू यू। तो एनीवे हार्ट की बीमारी क्लियर हो गई आपको, समझ आ गई हार्ट की बीमारी क्या है? तो ये है हार्ट की बीमारी। अब एक बार और दिखाना चाहता हूं इसमें थोड़ी बहुत चीज, एक और ब्लॉकेज को देखिए कैसा दिखता है। This is a zero blockage. This is 80% blockage. 20 is open. अच्छा इस आदमी को बैठे बैठे तकलीफ होगी क्या? No, he says sir, बैठे बैठे मैं घूमता, घूमने में भी दिक्कत नहीं है, स्पीड लूंगा मैं तब मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होगी, अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल। तो ये है हार्ट का पेशेंट। अच्छा इस ब्लॉकेज में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लॉकेज है ये किस चीज से बनी हुई है? घी, तेल, मक्खन खाया आपने ना, ये घी, तेल, मक्खन, ये सब जमी हुए यहाँ पे। अच्छा ये जो ब्लॉकेज है ये ब्लॉकेज, अच्छा एक बात इसी बहाने और बता दूं आपको, मैं अगर 100 हार्ट का पेशेंट देखता हूं उसमें से 98 होते ब्लॉकेज वाले और 2 पेशेंट होते नॉन ब्लॉकेज वाले हार्ट के पेशेंट। वो कौन होते हैं? आपने सुना होल इन द हार्ट, आपने सुना वाल्व खराब हो गया, ये वाल्व खराब हो जाना होल इन द हार्ट 100 पेशेंट में से 2 को होता है। 98 पेशेंट कौन से होते हैं? ब्लॉकेज वाले। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ओनली अबाउट द ब्लॉकेज पेशेंट, नॉट अबाउट द वाल्व एंड द होल पेशेंट्स, उनको ऑपरेशन की जरूरत है पर इनको नहीं जरूरत है, ये अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज आपको समझा। अच्छा इस ब्लॉकेज में ब्लॉकेज इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड, आपको समझ आ रहा है? ब्लॉकेज के अंदर की तरफ एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को रोक के रखता है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। एक होता आउटर मेम्ब्रेन, एक होता इनर मेम्ब्रेन। अच्छा ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो इस मेम्ब्रेन का क्या होने वाला है?
मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगा और एक दिन मेम्ब्रेन फट जाएगा। इस फटने को याद रखिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। पर अभी हार्ट की बीमारी क्या है, क्लियर हो गई सबके दिमाग में? ब्लॉकेज मोर देन 80% और सो। अच्छा, इसमें तकलीफ क्या होती है? पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब इस ब्लॉकेज के बीमारी में तकलीफ क्या होती है? इस तकलीफ को आपको दिख रहा है, तकलीफ क्या है? दिस इज कॉल्ड एंजाइना। क्या तकलीफ होती है इसमें, देखिए तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू हैव एंजाइना। इसमें क्या क्या तकलीफ होती है देखिए, पेन और हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। छाती के लेफ्ट साइड में पेन और भारीपन, या तो पेन या तो भारीपन होगी। और ये कब बढ़ेगी? जब चलेंगे तो बढ़ेगी, रुक जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। 80 ब्लॉकेज है, अभी बैठे बैठे पेन नहीं है, स्पीड लेने गया तो दर्द हुई और रुक गया तो दर्द ठीक हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं दिस पेन कैन लेफ्ट गो टू द लेफ्ट आर्म। कुछ लोग बोलते हैं वर्स आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद ये पेन ज्यादा होती है। और कुछ लोग बोलते हैं पेन नहीं होती है, अनइजीनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट होती है। कुछ लोग बोलते हैं धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन, एंड सम पीपल हैव ब्रेथलेसनेस। और बहुत रेयर केसेस में राइट साइड पेन, शोल्डर पेन, जॉ पेन, स्वेटिंग, बैक पेन, ये सब हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हो तो क्या समझ जाए, ब्लॉकेज इज ऑलरेडी मोर देन 70-80%। अच्छा, पक्का किया जा सकता है क्या? यस, पीपल वॉन्ट टू नो कि सर इसके बाद क्या करने से पक्का हो जाए कि हार्ट की बीमारी है। तो चलिए पक्का करते हैं कैसे होगा। तीन चार चीज कर सकते हैं। पहला चीज बहुत सिंपल होता है, उसको मैं बोलता हूँ सिम्टम्स। हार्ट के पेशेंट को मैं यूजुअली बोलता हूँ यहाँ से भाग के वहां तक जाइए, वापस आइए। बोलता भागने नहीं सकता, जब मैं भागूंगा तो यहाँ पे दर्द होगी। गैस का पेशेंट बोलेगा मुझे भगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हार्ट का पेशेंट बोलेगा ना, वेन एवर आई इंक्रीज माई स्पीड आई गेट अ चेस्ट पेन। इसका मतलब वो हार्ट का पेशेंट है। इसके बाद मैं एक और टेस्ट करा सकता हूँ, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट बिलो द टंग। आपने नाम सुना सॉर्बिट्रेट टैबलेट, जीभ के नीचे रखी जाती है। एक हार्ट का पेशेंट बोलता है मैं चलता हूँ मुझे दर्द होता है। मैं बोला रुक जाओ, रुक के मैंने बोला आप बैठ जाओ, और एक उसके जबान के नीचे सॉर्बिट्रेट रखाया। अब बोला 5 मिनट बाद चल के देखो, बोलता है अब कोई दर्द नहीं है। तो क्या समझ जाऊं, ये हार्ट का पेशेंट ही है। ये 50 पैसे में ये टेस्ट हो सकता है, पर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में जाना होगा। ये साइंटिफिक टेस्ट है, इसको बोलते हैं ECG। आपने कराया कभी? पेशेंट लेट जाता है, यहाँ पे लीड स्विच लगाते हैं, हाथ में पैर में स्ट्रैप लगाते हैं, बटन दबा देते हैं, ग्राफ निकल आती है, एंड ग्राफ शोस प्रॉब्लम, तो हार्ट की बीमारी है। पर ये देखा जाता है 90% ECG नॉर्मल आती है। ब्लॉकेज है पर ECG नॉर्मल है, क्यों बोलिए तो? एक मेरा पेशेंट बोलता है मैंने 20 बार ECG कराया, वो सारे नॉर्मल आए हैं। मैंने बोला कब कराया, बोलता हर महीने तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ECG कराते, बोलते आपकी नॉर्मल आई है। मैं बोला ECG कराते वक्त आपको चेस्ट में पेन थी, बोलता नहीं तब तो मैं लेटा रहता हूँ। मैं बोला पेन कब होती है, बोला चलने में पेन होती है, सीढ़ियां चढ़ने में पेन होती है। तो कैसा ECG कराना होगा? चल के ECG कराना होगा। इसका क्या नाम है? स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ECG लगा देते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर में ECG देखते रहते हैं। अब पेशेंट को बोलते हैं अब चलो, और चलने में क्या करना है आपको याद है? हमारी हार्ट की जरूरत कितनी है, 10%, 20% और 30%। बैठे बैठे 10, चलते वक्त 20, दौड़ते वक्त 30। तो उसको बोलते चलो पहले धीरे चलना, फिर स्पीड से चलना, फिर दौड़ा देंगे। और तीनों क्रॉस कर गए तो क्या मतलब हो गया कि 30% उसके पास है, वो हार्ट का पेशेंट नहीं माना गया। बट सपोज चलते चलते स्पीड लेते ही उसके ECG में फर्क आ जाए तो क्या समझ गए, वो हार्ट का पेशेंट कंफर्म्ड हो गया। क्लियर है आपके दिमाग में? अच्छा एक बार बताइए, कोई आदमी बोलता है डॉक्टर साहब मैं दौड़ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूं अंदर कितनी ब्लॉकेज है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? दौड़ सकता है इसका क्या मतलब है, 30% तो उसके पास खुला है, पर वो जानना चाहता है मेरी 10 ब्लॉकेज है या 20 है या 40 है या 50 है या 60 है या 70 है। नाउ इज इट पॉसिबल टू नो, कैसे पता चल सकता है कितनी ब्लॉकेज है अंदर? यस, एंजियोग्राफी। हार्ट के हॉस्पिटल बोलते हैं हमारे पास एक टेस्ट है जिससे हम आपको बता सकते हैं कितनी ब्लॉकेज है। बोला क्या करना होगा, बोला आप आओ आपको एडमिट कर लेंगे। बोला क्यों एडमिट करेंगे, बोला टेस्ट के लिए। मैं बोला फिर क्या करोगे, बोला एक तार घुसाएंगे आपके अंदर और 15,000 रुपीज लेंगे। अच्छा नॉर्मल आदमी जो दौड़ता भागता है वो करवा लेगा ना ये टेस्ट? 15,000 देगा, हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, अंदर तार घुसाएगा और तार से जान भी जाने की दिक्कत हो सकती है। कोई कराएगा नहीं कराएगा, नॉर्मल आदमी नहीं कराएगा। आई वॉज थिंकिंग कोई ऐसा टेस्ट होना जिसमें कुछ घुसाने वसाने का जरूरत नहीं, एडमिशन का जरूरत नहीं, ऊपर से ही पता चल जाए कितनी ब्लॉकेज है। और मैं सोच रहा था ऐसा कोई टेस्ट आ जाए तो मजा आ जाए। एंड ग्रेजुअली आई मस्ट टेल यू दिस इज व्हाट हैज सडनली हैपेंड।
एक नई टेस्ट आ गई है जिसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें आपको को एडमिशन का जरूरत नहीं है, विद इन 5 मिनट्स दे कैन टेल यू हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड सीटी नॉन इन्वेजिव सीटी एंजियोग्राफी। कि जैसे कि ये देख रहे हैं हम कि ये जो वेसल है, ये जो लाइन है, हार्ट है पूरी दिख रही है, इसको अलग अलग चार एंगलों में हमने लिया हुआ है। अब ये जो लेवल पे जो कटआउट है, ये कटआउट मीन्स इसको यहाँ पर इस पेशेंट को 100% ब्लॉक थी। इसी पेशेंट को एक और एंगल से दी गई है यहाँ पर विजन, यहाँ पर भी एक कटआउट दिख रही है और ये लेवल पे काफी लंबी सेगमेंट में कटआउट दिख रही है। दीज आर द ब्लॉक्स। अब कहीं आपको छोटी नैरोइंग्स दिख रही है, अब ये दूसरी उसकी पीछे की साइड की वैसे नॉर्मल मिली है, तो कहीं छोटी नैरोइंग्स होगी तो वो कम परसेंटेज वाली ब्लॉकआउट है, लेकिन ये जो फुल कटआउट है ये 100% है। हम लोग छोटी परसेंटेज वाली भी बताते हैं, बट ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट जस्ट अ क्विक रेफरेंस। प्राइमरीली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इस पे फिल्म पे जो हम दिखाते हैं उस पे परसेंटेज नोट किए जाते हैं, और उस मोर देन दैट उसको हमने काफ़ी स्टडी किए हुए होते हैं, उसकी स्टडी हमारे मॉनिटर पे हुई होती है और उसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि ब्लॉकेज कितने हैं, कौन से वेसल में है, कितने परसेंट है, उसकी ट्रीटमेंट बांधने की। ये टेस्ट पॉपुलर हो रहा है किस लिए? आम आदमी बोलता है मुझे काटे बगैर ब्लॉकेज पता करना है, पर एक प्रॉब्लम हो गई इस टेस्ट के साथ। क्या हो सकता है? कुछ लोग ये टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं। वो कौन से लोग होंगे? जो तार घुसाने वाली काम करते हैं। आपको समझ आ रहा है? जो तार घुसाने वाला काम करते हैं उसको ये टेस्ट एकदम पसंद नहीं है, और वो कार्डियोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनसे जाके पूछेंगे ये टेस्ट कैसी है तो क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी को पूछेंगे कांग्रेस कैसा काम कर रहा है तो क्या जवाब मिलेगा? बस सिंपल सी बात है, मैंने देखा कार्डियोलॉजिस्ट से जब भी इस टेस्ट की बात करो बोलता नहीं वो टेस्ट एकदम काम की नहीं है, हमारी वाली टेस्ट बहुत एक्यूरेट है। ऐसा सुना आपने? अच्छा ये एक्यूरेट की बात सोचते हैं, आपने सुना एंजियोग्राफी में बोलते हैं एक्यूरेट? अच्छा एंजियोग्राफी कोई ने किया यहाँ पे? कोई है यहाँ एंजियोग्राफी किया? देयर आर सम पीपल हु हैव डन एंजियोग्राफीज। ये एंजियोग्राफी में कभी ब्लॉकेज देखा आपने? इसमें लिखा होता है 70%, 80% एंड 90%, आपने देखा ऐसा? अच्छा कुछ राउंड राउंड नहीं लग रहा है 70, 80 एंड 90? भाई 71 भी तो हो सकता है, 72 भी तो हो सकता है, 73.5 भी तो हो सकती है, ये 70, 80 एंड 90 क्यों होगा भाई? आपको क्या लगता है कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा ये जो 70, 80, 90 है ना, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट बदल जाती है। मेरे पास दिल्ली में एक पेशेंट आए, आके बोले डॉक्टर साहब मेरा ना कल 10% कम हो गया ब्लॉकेज। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? बोला नहीं एस्कॉर्ट्स वाले तो 80 बोल रहे थे, अपोलो 70 ही बोला है। मैं बोला आप कैसे लग रहा है? बोला कल से दर्द काफी कम लग रहा है। अच्छा आपको लगता नहीं है 70 एंड 80 में फर्क बहुत बड़ा है? 5 साल का फर्क है। तो एंजियोग्राफी इतनी एक्यूरेट है कि 70 80 के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत एक्यूरेट कोई टेस्ट नहीं है। 5 साल आगे की और 5 साल बाद की आप बता नहीं सकते हो एक एंजियोग्राफी करके, वो भी डॉक्टर टू डॉक्टर 5-10% इधर उधर हो जाती है। तो ये टेस्ट का इतनी कोई एक्यूरेसी है नहीं। सो आई वुड ऑलवेज वांट अ नॉर्मल एंजियोग्राफी, द सिटी एंजियोग्राफी, जहां पे बॉडी को काटने की कोई जरूरत ना पड़े। एनीवे, तो हार्ट की बीमारी क्या है, ये पहला चैप्टर हमारा करीब करीब क्लोज हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये बीमारी होती क्यों है, वॉट इज द रीजन ऑफ हार्ट डिजीज। लेट्स सी हाउ, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट डिजीज। मैं आपको सारे रीजन पहले लिख के दे देता हूं। इट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी मतलब एक नहीं, मल्टी मतलब मेनी फैक्टर्स आर देयर, एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर्स आर देयर एंड देयर आर अबाउट 15 फैक्टर्स, 15 रीजंस फॉर हार्ट डिजीज। एक एक करके सारे रीजंस को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके पास। देखिए तो इसमें कुछ कुछ आपको मालूम है क्या? कुछ कुछ मालूम है आपको, ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो सम ऑफ देम, बट लेट अस गो वन बाय वन। फर्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। सुना आपने कोलेस्ट्रॉल? सबने सुना है कोलेस्ट्रॉल, एवरीबॉडी हैज हर्ड, बट व्हाट इज दिस? इट्स अ फैट, ये डिपॉजिट करती है। अब हमको बताइए इस फैट को कौन से खाने में मिलता है? विच फूड इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? विच फूड डू यू थिंक इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? यस, ऑयल, आंसर इज रॉन्ग। ऑयल डज नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बता दूं जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का एक ही सोर्स होता है फूड में, दैट इज कॉल्ड एनिमल फूड। एनिमल फूड, कोई भी चीज एनिमल से बना हुआ खाना हो वो सब फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा। मतलब सारे मीट, चिकन, मटन, बीफ और ये अंडा और मछली, फिश,
दे आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. और एक चीज में कोलेस्ट्रॉल होता है वो है मिल्क. मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, आपको मालूम है. पर मिल्क में एक ब्यूटी है. क्या ब्यूटी है? मिल्क को आप बॉयल कर लीजिए और फ्रिज में ठंडा करने दे दीजिए तो इसकी जितनी फैट होती है ऊपर जम जाती है आके, और उसको उठा के आप फेंक दीजिए, फिर से उबाल लीजिए, फिर से फ्रिज में ठंडा कीजिए, फिर एक मलाई जमेगा लेयर. ये दो तीन बार निकाल दिया तो मिल्क पीने लायक फिर भी हो जाती है. तो मिल्क अगर पीना है तो मलाई निकाल के पीना है, और अगर बाकी जितने भी एनिमल फूड है वो सारा का सारा नहीं खाना चाहिए. और मैं आपको बताऊं एनिमल फूड, हाँ लोग ये, अच्छा आपने देखा है ये प्लांट फूड जितने हैं, नो प्लांट फूड है एनी कोलेस्ट्रॉल. प्लांट फूड में आप ये बताइए तो क्या नाम, सफोला नाम सुना आपने, सनफ्लावर, ये जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें ये क्या प्लांट से एनिमल से? प्लांट से है ना, ये ऊपर ऊपर लिख देते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल, तो आपको क्या समझ आएगा इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है. पर है क्या इसमें? इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड. ये जो कोलेस्ट्रॉल का छोटा भाई है इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड. ये ब्लॉकेज बनाता है. तो ये ऑयल फैक्ट्रियां क्या करती है, अपने ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल फ्री करके बेचते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है. लोग सोचते हैं, अच्छा मेरा एक पेशेंट थोड़े दिन पहले गोवा गया था, गोवा से वो क्या खरीद लाया मालूम है? काजू, कैश्यू नट. अच्छा काजू में, काजू प्लांट से है एनिमल से? प्लांट से. तो वो बोलता है डॉक्टर साहब ये 500 रुपए किलो का खरीदो. मैं बोला दिल्ली में 200 रुपए में मिलता है. बोलता है नहीं ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है इसलिए खरीदा हूं. अरे मैं बोला यार काजू में तो कोलेस्ट्रॉल कभी हो ही नहीं सकता. बोला क्यों? मैं बोला तो प्लांट का प्रोडक्ट है, इसमें एनिमल है ही नहीं कुछ. बोलता नहीं पर इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा था ना. अरे मैं बोला लिखने में तो कोई भी आइटम जो कोलेस्ट्रॉल फ्री और लिख दूं. बोलता मैं तो खाली कोलेस्ट्रॉल फ्री देख के खरीदता हूं. थोड़े दिन पहले मैंने जूस पिया एक, अच्छा जूस में भी कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा है. मैंने बोला यार जूस में कोलेस्ट्रॉल फ्री क्यों लिखा? बोलता सर लिखने के बाद से बिक्री बढ़ गया है. अच्छा प्लांट फूड में सब कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख लिख के बेच रहे हैं, पर उसमें एनिमल फूड में ही तो होगा कोलेस्ट्रॉल. प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है, तो एनिमल फूड मुझे नहीं चाहिए. अच्छा नेक्स्ट इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड. ये ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? आपके घर में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में बहुत जबरदस्त खाई जाती है. दिस इज कॉल्ड ऑयल. ये सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, और ये ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल और सोयाबीन ऑयल और जिंजली ऑयल और जितनी ऑयल आप बाजार में जानते हैं इंक्लूडिंग घी, ये सारा का नाम है ट्राइग्लिसराइड्स. अच्छा ये ट्राइग्लिसराइड को कहीं जमते हुए आपने देखा है? देख के सोच के बताइए. तो जब खाना बन जाए किचन में, उसके बगल वाले जहां पे खाना बन रहा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगा के देखिएगा, क्या चिपक रहा है आपके हाथ में? सब्जी चिपक रहा है क्या? क्या चिपक रहा है? तेल, तेल, ट्राइग्लिसराइड. अच्छा उसको सफाई नहीं कीजिए 10-15 दिन तक तो क्या होगा? वो लेयर धीरे धीरे, आपने एग्जॉस्ट फैन साफ किया किचन में कभी? क्या जमा हुआ उसमें? अच्छा आपके हार्ट में जमा दू तो ब्लॉकेज हो जाएगी. तो याद रखिए, फिर आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, खाने में तेल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, खाने में तेल चर्बी है, हाँ या ना? सब मानते हैं चर्बी है, और चर्बी हार्ट के लिए अच्छा है खराब है? खराब है, ये भी जानते हैं. तो फिर खाने में तेल क्यों डालते हैं? हमको ये समझाइए तेल क्यों डालते हैं खाने में? टेस्ट, चलिए मान लेते हैं टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम सबको एक एक चम्मच तेल देते हैं, अपने हाथ में चम्मच चम्मच सोच लीजिए लिया, और मुंह में डाल के मुझे बताइए किसको किसको टेस्ट अच्छा लगा. एक भी आदमी कभी हाथ नहीं उठाया, बोला सर तेल का कोई टेस्ट है? अरे मैंने उंगली में डाल के देखा तो पूरा उल्टी आ जाए, ऐसी टेस्ट है, उसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है. मैं बोला आप तो अभी बोल रहे थे टेस्ट होता है ऑयल का, इसीलिए डाल रहे हैं. आपको क्या लगता है ऑयल का टेस्ट है क्या? नहीं है. तो फिर टेस्ट किस चीज का है? टेस्ट होता है मसालों का, मसाले का टेस्ट होता है. आपको एक काम, एक लेडी बोलती है नहीं नहीं टेस्ट तो ऑयल में नहीं होता, बनाने के बाद होता है. मैं बोला चलो आप बनाओ, आपको मैं तेल देता हूं, सब्जी देता हूं, और आपको मैं उसमें नमक, मिर्ची और मसाले डालने नहीं दूंगा, और प्याज और अदरक नहीं दूंगा, आप हमको टेस्ट बना के दो क्या क्या बना सकते हो, बन जाएगा ना टेस्ट? क्यों? तेल का ही तो टेस्ट है ना. टेस्ट है मसालों का. आप सब्जी बनाइए नमक नहीं डालिए, टेस्ट नहीं मिलेगा. नमक डाल दीजिए टेस्ट आ जाएगा. इसका किस चीज का टेस्ट है? नमक का टेस्ट है, मिर्ची का टेस्ट है, सारे स्पाइसेस का टेस्ट है. तो मैं हार्ट के पेशेंट को क्या बोलता हूं कि तेल को निकालो, बाकी सारे मसाले डालो. अब टेस्ट पूरा का पूरा होना चाहिए. पर एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, एक लेडी को एक ही तरह का खाना बनाना आता है. कैसा?
उसने छोटे से ये सीखा था कि खाना बनाओ, कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें पहले तेल डालो। मदर को पूछती है कौन सा तेल डालो, बोलो किसी भी कंपनी का डाल देना, तेल के ऊपर सारे मसाले डालना तभी खाना बनेगा। अच्छा, वो लेडी के दिमाग में एक सेट हो गया कि तेल के ऊपर ही मसाले डाली जाती है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ तेल नहीं डालना तो वो क्या करती है, उबाल के बॉयल करके वेजिटेबल हस्बैंड को खिला देती है। अच्छा, हस्बैंड को टेस्ट आएगा ना, बहुत अच्छा सब्जी, उसने तेल तो हटाया मसाले भी सारे हटा दिए और टेस्ट हो गया जीरो। अच्छा, हस्बैंड को खाना में टेस्ट तो आएगा ही ना, एकदम नहीं आएगा। अच्छा, मन मन में खाएगा तो सही, हार्ट की बीमारी है, डर के क्या करता आदमी, मरता तो कुछ तो खाएगा। अच्छा, खाएगा, गाली किसको देगा, डॉक्टर को, कि इस डॉक्टर ने मेरा जिंदगी। अच्छा, गलती किसका, गाली कौन खा रहा है, सोच रहे हैं आप, गलती किया वाइफ ने कि जब तेल हटाने बोला मसाले भी हटा दिए, और गाली कौन खा रहा है, जिंदगी भर डॉक्टर को कोसता रहता है पेशेंट कि ये आदमी ने मेरा जिंदगी। अरे, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है, खाली एक ही चेंज करो कि तेल बिना सारे मसाले को भूनना सीखो। मैं हार्ट के पेशेंट को ये सिखाता हूं कि खाना बनेगा कैसे विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, बट द टेस्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम। अगर खाने में नमक हो, मिर्ची हो, सारे मसाले हो, मसाले को भून लिया, और उसको भूनने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं जानते हैं क्या है, पानी। अब लोग बोलते हैं सर पानी में कैसे, कोई ना कोई तो तेल डालोगे। मैं बोला एक काम करते हैं, पानी का नाम बदल के सावल ऑयल रख देते हैं और आपके घर पे फ्री सप्लाई। अब कौन सी तेल यूज करेंगे, सावल ऑयल, सबके घर पे है सप्लाई। मेरे ऑफिस में आजकल फोन आता है कि डॉक्टर छाजड़, आप जो ऑयल रिकमेंड करते हैं वो कितना रुपए का किलो है और मुझे दो चार टीना चाहिए। मैं बोला मेरी वाली ऑयल आपके घर पे ऑलरेडी सप्लाइड है, अपना टैप खोलो और भर लो जितना चाहिए। तो याद रखिएगा, मुझे खाने में सारे चाहिए मसाले, टेस्ट सारे चाहिए, सिर्फ ऑयल नहीं चाहिए। और टेस्ट अगर सेम हो तो आपको क्या, आप बोलिए आपको टेस्ट चाहिए तेल चाहिए। लोग बोलते क्या क्या बन सकता है, तो वी क्रिएटेड 1000 रेसिपीज, ये मेरी रेसिपी बुक है, ये देखिए जीरो ऑयल कुक बुक। अब लोगों ने बोला सर चलिए मैं सब्जी रोटी चावल दाल तो खा लूंगा, पर ये समोसे और कचौड़ी का क्या होगा। जीरो ऑयल स्नैक्स 151 टाइप्स। फिर लोगों ने बोला सर लड्डू पेड़ा और जलेबी का क्या होगा। देन वी क्रिएटेड 150 मिठाइयां स्वीट्स विदाउट ड्रॉप ऑफ ऑयल। फिर लोगों ने, साउथ इंडियन वालों ने बोला हमारा क्या करेंगे, तो हमने 150 तरह के साउथ इंडियन डिशेस बनाए विदाउट ड्रॉप ऑफ ऑयल। एंड देन जीरो ऑयल थाली, थाली में सारे आइटम जीरो ऑयल होना चाहिए। टेस्ट अगर सेम है, मसाले अगर सारे प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही तो चीज निकाल रहा हूँ ऑयल, वही चर्बी है, वही ब्लॉकेज बनाता है। तो आपको समझ आ रहा है इसका कंसेप्ट क्या, हमारी है जीरो ऑयल फूड। तो दो चीज मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई, एक तो कोलेस्ट्रॉल जो कि है नॉन वेजिटेरियन फूड में, और एक है ट्राइग्लिसराइड जो है तेल में। अब आदमी ये भी पूछता है मुझे, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में तेल की जरूरत है कि नहीं है। मैं बोला हाँ ये तो जरूरत है, तो फिर कहां से आएगा। मैं बोला भगवान ने उसकी बंदोबस्त पहले से करके रखी है, हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है। आपको मालूम है रोटी में 1% तेल है, चावल में 1% तेल है, दाल में 5% तेल है, हर वेजिटेबल में, हर सब्जी में तेल होता है, और ये तेल हमारे लिए काफी होती है। आपको क्या लगता है भगवान ने हमें बनाने से पहले तेल की फैक्ट्री बनाई थी क्या, नहीं बनाई थी। बोले आप आदमी बन जाए तेल की फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, हमने तेल की फैक्ट्री बना ली। अब एक कंसेप्ट ये हो गया कि तेल की फैक्ट्री बंद हो जाए तो सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी। अच्छा एक बताइए, एक कोई जानवर को आपने तेल खरीदते देखा बाजार से, ये कुत्ते बिल्ली ये बंदर और गाय, ये लोग तेल खरीद के खाते हैं ना बाजार से, ये लोग बिना तेल के चल रहे हैं क्या। अच्छा वो जिंदा है हम मर रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्लंडर वी आर डूइंग। हम अलग से खाने में तेल डाल रहे हैं जो हार्ट के लिए खतरनाक है, क्या जरूरत है। आपको टेस्ट चाहिए ना, टेस्ट बिना तेल का एग्जैक्टली सेम आएगी, एंड दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो दो चीज आपको समझ आ गई, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राई ग्लिसराइड। हाँ एक कंसेप्ट छोटी सी और मैं आपको समझाऊं, ये कोलेस्ट्रॉल मुझे चाहिए, आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कितनी होती है। आज से बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमें सिखाया गया था 150 टू 250, फिर पता चला 250 इज वेरी बैड, 250 में हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, तो उसको 220 किया, फिर पता चला 220 इज वेरी बैड, उसको 200 किया। अच्छा अब फिगर है 130 टू 200, आप हमको बताइए मैं कौन सा रिकमेंड करूं आपको, 130 टू 200 मैं कौन सा रिकमेंड करूं। एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं एक अपने
असिस्टेंट को मैं बोला ये भाई सामान खरीद के लेके आ जाना बाजार से, वो तीन जगह पता करके आया, बोलते सर एक 125 का बेच रहा है, एक 130 का बेच रहा है, एक 150 का बेच रहा है, और एक दुकान में सेम चीज 200 का भी मिल रहा है, मैं किससे खरीदूं, क्या जवाब दूं मैं इसको? मैं बोलूंगा 130 वाले से बार्गेनिंग करके 125 में लेके आना। आप बताइए, मेरे को कोई पूछता है सर मेरी कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 होना चाहिए, कितना रखूं, मैं क्या बोलूं उसको? मैं बोलूंगा 125 रखना, 130 की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ट के पेशेंट है भाई, हम कैसे आपके लिए रिकमेंड करें खराब से खराब, आप तो बढ़िया से। आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई जब करना ही है तो बेस्ट ही करो ना, हम फिर क्यों तेल डालें, खाने में तेल डालने की जरूरत? आदमी क्या करते, थोड़ा सा डालूंगा, थोड़ा सा। मैं बोला थोड़ा करके क्या करोगे, आपको तो मसाला भुनना है ना, मैं आपको पानी से भुनवा देता हूँ, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। एनीवे, इसका मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मैं हार्ट के पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ वाइफ को साथ लाना, मैं बना के सिखा के दूंगा, तब आपको बनाएगा और खाना खिला के दूंगा। एनीवे, इसके बाद इसके छोटे छोटे और तीन चार भाई लोग हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का एक है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को रिमूव करने में मदद करती है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए यू शुड वॉक, एक्सरसाइज, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। और इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, एलडीएल एंड वीएलडीएल, ये छह को एक साथ चेक कराना हो तो इसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। सुना आपने नाम? मेरा ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, यू कैन नॉट से अनलेस यू टेक माई ब्लड एंड चेक एग्जामिनी। तो कोई भी आदमी को बाहर से चेहरे से आप नहीं बोल सकते कितनी उसकी लिपिड प्रोफाइल है। पतला दुबला आदमी है, कोलेस्ट्रॉल 300 है, पॉसिबल है, हमें 130 चाहिए, उसका 300, उसको हार्ट अटैक हो गया, पतला दुबला आदमी है। रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हिसाब से नहीं, ब्लड के अंदर जितनी कोलेस्ट्रॉल होगी उतनी डिपोजिशन होती जाएगी, सो वी डू नॉट वॉन्ट कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक सुना आपने? जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या? ये देखा गया पिताजी को हार्ट की बीमारी है, बेटे को भी हार्ट की बीमारी बन रही है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होती है कि पिताजी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। कहां से आया ब्लड में? बोला पिताजी खूब ज्यादा फैट खाते थे, प्लस उनकी लीवर में बहुत ज्यादा बनती है। अगर पिताजी के लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बेटे का भी बनावट वैसे ही है, उसके भी लीवर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो बेटा क्या करे, पिताजी को चेंज करे या कोलेस्ट्रॉल को चेंज करे? तो जेनेटिक्स यू कांट चेंज, तो क्या चेंज कर सकते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल को चेंज करो। तो अगर कोई को जेनेटिक भी है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर दोगे तो जेनेटिक्स भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये देखा गया बेटा का भी कोलेस्ट्रॉल, बेटा खा भी नहीं रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, बट स्टिल द कोलेस्ट्रॉल इज हाई, बिकॉज द लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द सन, एंड सन कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। एक तो खाने में सारे मीट वीट बंद करें, और दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले लें। चलिए, दो तीन चीज हो गई। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए? 120/80। अब ये रूल है कि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर अलाउड नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 140/50 है, बोलता है तो चलता है, अभी कुछ नहीं चलता है। याद रखिएगा, हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा ब्लॉकेज जल्दी होगी। क्यों होगी सोच सकते हैं आप? ब्लड प्रेशर ज्यादा है ब्लॉकेज क्यों होगी? मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सरफेस है, इसमें मैंने मारा, कुछ हुआ क्या? सरफेस को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसको धीरे से मारा। अच्छा हाँ, थोड़ा लेके मारूं तो फिर डैमेज हो जाएगा। जितनी प्रेशर ये ले सकता है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ज्यादा प्रेशर दोगे तो डैमेज हो जाएगा। हमारी हार्ट की ट्यूब 120 प्रेशर के लिए बनी है, और इसमें 140 का धक्का मारेंगे तो क्या होगा? वो डैमेज्ड होगा, और डैमेज्ड एरिया में ब्लॉकेज। आप फ्लोर लीजिए और फ्लोर में हथौड़ा मार लीजिए 10 जगह, और धूल डाल दीजिए, धूल कहां जमेगा? जहां जहां डैमेज हुआ हुआ है। तो जबकि कोई का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसका ब्लॉकेज होने का चांस बहुत बढ़ जाती है। सो प्लीज डोंट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर 120/80। उसके लिए सॉल्ट कम करना है, उसके लिए वजन कम करना है, उसके लिए खाना जीरो ऑयल का खा सकते हैं, उसके संग वॉकिंग करना, उसके संग आपको सिगरेट छोड़ देना, ये सब बहुत जरूरी है। सिगरेट, मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक किताब लिखा है कि हाउ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर विदाउट दवाइयां। एनीवे, इसके बाद हो गया ब्लड शुगर। जिनको भी हाई ब्लड शुगर है उनका ब्लॉकेज बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, ये बहुत खतरनाक होता है हार्ट के लिए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या करते हैं ये मालूम है? ये स्मोकिंग में आता है टोबैको, और टोबैको बहुत खतरनाक होता है। क्या काम करता है समझाता हूं। ये सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाला, डस्ट, और डस्ट को मैंने क्या किया, फू करते ही डस्ट सारा उड़ गया। इसमें मैंने गोंद की लेयर लगाई, गोंद समझते हैं, गम, ग्लू स्टिक, और इसमें धूल डाला, अब क्या होगा? यही स्मोकिंग करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ट्यूब अंदर से स्टिकी हो जाती है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल जा जाके जम जाती है।
तो आपको क्या लगता है स्मोकिंग अच्छी हुई खराब हुई? बहुत ही खराब बात हुई। एक मेरे को जर्दा खाने वाला मिल गया, आजकल जर्दा की बड़ी चलन चलती है, जर्दा गुटखा। वो बोलते डॉक्टर साहब मैं, आप ठीक बात बोलते हैं, जर्दा गुटखा एकदम नहीं खाना चाहिए। मैं बोला आप तो खाते हो? बोलता नहीं मैं तो मुंह में रख के मुंह से गिरा देता हूँ। मैं बोला कल से जेब में रख के गिराया करो। बोलते थे मजा नहीं आता है। याद रखिए ये जर्दा यहीं से अब्सॉर्ब हो जाता है, मुंह से ही अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो आप सोचते हो ना कि मुंह में रख के गिरा दिया तो कोई काम नहीं, वो अंदर जाके वो ब्लॉकेज बनाएगा। सो जर्दा एंड गुटखा एंड दिस सिगरेट, दे आर ऑल बैंड फॉर माय हार्ट पेशेंट्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है आजकल एक्सरसाइज कम हो गई है ज्यादा हो गई है? आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल 10 किलोमीटर, आते वक्त 10 किलोमीटर। आजकल आधा किलोमीटर जाना हो तो कैसे जाते हैं? शहर में तो हालचाल और भी खराब है। एक आदमी का सुबह से शाम तक का लाइफ देखिए, पहले नींद से उठते हैं और बेड टी पीते अखबार लेके न्यूज़पेपर लेके पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर टीवी खुल जाता है, टीवी में ब्रेकफास्ट न्यूज देखते हैं, फिर नहा धो लेते हैं, नहा धो के नाश्ता किया अच्छे से। अच्छा अब क्या काम कर, अब तक कितनी एक्सरसाइज हुई? नील। अच्छा इसके बाद अब कहां जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, काम में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे। अच्छा जाएंगे तो जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए? पहले लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से लिफ्ट से जाके अपने चेंबर में बैठ जाएंगे और फिर फाइल खोलेंगे, फाइल बंद करेंगे, मीटिंग, ईटिंग, टेलीफोन, कंप्यूटर, सीटिंग एंड सीटिंग एंड सीटिंग, शाम तक सीटिंग का सिलसिला चलेगा। अच्छा शाम को जब घर लौट के आएंगे तब तो दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते हुए आएंगे ना, फिर गाड़ी से आएंगे। अच्छा आने के बाद क्या क्या मेहनत बाकी है? सोफे में बैठ जाएंगे, टीवी चालू हो जाएगा और उसके बाद नाश्ता वास्ता चालू होगा, फिर टीवी देखते देखते फिर खाना भी खाएंगे, फिर सो जाएंगे और इसके साथ एक हाथ में रिमोट कंट्रोल और कॉर्डलेस फोन। अच्छा आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। अच्छा इतनी कम एक्सरसाइज करेंगे तो खाने में तो चर्बी उर्बी खूब खाना चाहिए ना। आगे लेडीज लोग चक्की पीसते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे कपड़ा धोते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे पोंछा करते थे जमीन में, अभी नौकरानियां रख लिया है तो मेहनत खत्म हो गया है। और खाने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फैट, तो हार्ट की बीमारी होने के तो पूरे चांस नहीं। इसके बाद है ओवरवेट। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज लो फाइबर एंड लो एंटीऑक्सीडेंट। याद रखिएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत पाया जाता है, तो फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये आजकल एक लेटेस्ट आइटम है जो आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम जानते थे, आपको याद है? आजकल है विटामिन ए, सी और ई। ये तीन विटामिन अगर खाते हैं तो आपका ब्लॉकेज बनने के चांस कम है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोलेस्ट्रॉल के संग ऑक्सीजन कंबाइन करते ही कोलेस्ट्रॉल 4 गुना स्पीड से ब्लॉकेज बनाएगा। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी केमिकल डाली गई है जो कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से रोक देता है, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसका नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। नाम सुना आपने? आज से बहुत साल पहले लोग खाते थे बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल, कोबार्डेक्स, सोर्बेक्स टी, याद है? अब वो खत्म हो गया, अब बोलते हैं विटामिन ए खाओ, सी खाओ और ई खाओ। ये तीनों आपको बहुत बचाएगी हार्ट से। तो ये तीनों विटामिन मिलती है स्प्राउट्स में, स्प्राउट समझते हैं आप, अंकुरित दालें, इसमें मिलती है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। सो एंटीऑक्सीडेंट जितना खाएंगे हार्ट की बीमारी कम होगी और उम्र भी बढ़ेगी नहीं। उम्र के संग संग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होती है, उसको कम ज्यादा रखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जानते हैं आप? स्ट्रेस दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्या आजकल? किस चीज की प्रेशर बढ़ गई है आजकल? एक तो खर्चा बढ़ता जा रहा है और इनकम उतना बढ़ नहीं रहा है। परिवार में लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं और सबकी डिमांड बढ़ रही है, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, हर महीने बदल बदल के भी चाहिए, और मुझे एक फ्रिज नहीं चाहिए, 2 फ्रिज चाहिए, मुझे टीवी हर रूम में चाहिए, और मोटरसाइकिल के जगह गाड़ी चाहिए, गाड़ी के जगह बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी के जगह और बड़ी चाहिए, एक नहीं चाहिए 2-4 चाहिए, और घर में सोफा का कपड़ा सब चीज बदल बदल के चाहिए। अच्छा सबके लिए लोन लेने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, लोन लेने के बाद टेंशन और बढ़ जाए। अच्छा इधर परिवार में आजकल कोऑर्डिनेशन कम हो गया है, पहले लोग एक दूसरे के लिए करते थे, आजकल अपने लिए ही करना चाहते हैं और कोई के लिए नहीं चाहते हैं। पहले लोग सुनते थे बोलते नहीं थे, आजकल बोलते हैं सुनते कम है। अच्छा इधर पॉलिटिक्स, इधर पोल्यूशन, इधर ट्रैफिक, इधर गुंडागर्दी, आपको लगता नहीं टेंशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे? और जितनी टेंशन बढ़ेगी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ती जाएगी, हार्ट के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो स्ट्रेस इज अ मेजर थिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूँ।
अच्छा, इसके साथ ऐसा देखा गया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं टाइप ए पर्सन. व्हाट इज दिस टाइप ए पर्सन? टाइप ए पर्सन ऐसा होता है जिसको टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बनाना जानते हैं. उनका काम है कहीं पे भी उनको छोड़ दो, खुद टेंशन में रहेंगे और बाकी लोगों को देते रहेंगे. मिले ऐसे आदमी से कभी आप? मैं आपको मिलाना चाहता हूं. देखिए तो कैसे होते हैं टाइप ए. दिस इज टाइप ए पर्सन, हर वक्त टेंशन में ही होता है. देखिए इनका नेचर देखिए, ऑलवेज इन अ हरी, हर जगह जल्दी में होते हैं, हर काम को फास्ट करना चाहते हैं, इसलिए खुद भी टेंशन में रहते हैं, बाकी लोगों को भी टेंशन देते हैं. इनका नेचर होता है रैपिड मूवमेंट, हर काम फास्ट होना चाहिए. और इनका नेचर है हाईली कॉम्पिटिटिव, मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे को कोई पीछे ना कर दे. हर वक्त ये चिंता है मैं सबसे आगे कैसे रहूं, और इससे उनको प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है. इनके अंदर एक नेचर होता है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब क्या? झगड़ा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, कोई मेरे से झगड़ा करे मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा, अपनी बर्बादी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बर्बाद करूंगा. उनकी दो वर्ड वो यूज करते हैं हॉस्टाइल लोग, एक है छोड़ूंगा नहीं. छोड़ूंगा नहीं समझते हैं, झगड़ा हो जाए बोलते छोड़ूंगा नहीं, और अगर छूट भी जाए तो बोलते देख लूंगा. तो ये दो वर्ड है, छोड़ूंगा नहीं और देख लूंगा, ये जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है. इसके बाद एक नेचर है डोमिनेटिंग. डोमिनेटिंग मतलब मैं जो बोलूंगा सारे लोग वही करेंगे, और जो मेरा नहीं सुनेगा उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा. इनका एक नेचर होता है मेरे हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए. और रेज एंड फ्यूरी, गर्म होने में टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी फास्ट उनका दिमाग गर्म होता है. और ओवर परफेक्शन, ओवर पंक्चुअल एंड ओवर एंशियस, ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है. तो आपको समझ आ गई क्या ब्लॉकेज का कारण? देखिए तो आपको एक बार समझाता हूं. देखिए तो आपकी भाषा में समझ आ रहा है क्या? ऐसा खाना खाने से क्या होगा? हार्ट की बीमारी. अच्छा, इसके संग मेहनत भी करना होगा. ऐसा वाला आपने किया है मेहनत? ऐसा वाला खाना, वैसा वाला मेहनत, ऐसा वाला, और इसके संग बहुत सारा टेंशन. हार्ट की बीमारी रेडीमेड. रेडीमेड समझते हैं? और होम डिलीवरी समझते हैं? हार्ट की बीमारी ऐसी ही आती है, यही सब कारण होता है. तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स को इस तरफ नजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आम आदमी को इधर नजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हार्ट के पेशेंट को इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट इज माय इंटेंशन, कि हार्ट का पेशेंट ये सारी बात समझे कि मैं हार्ट के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, और क्या करूँ कि ब्लॉकेज को मैं रोक दूँ और ब्लॉकेज को रिवर्स करूँ. अच्छा, कोई ऐसा मिल जाए मेरे को जो बोलता है सब ये सब मैं कुछ नहीं फॉलो करने वाला, फिर क्या करूं मैं? ऐसा कोई मिल जाता है बोलता है डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूं और पीऊंगा, और मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, नहीं करूंगा, मैं टेंशन लेता हूं लूंगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा. अच्छा, क्या होने वाला है ऐसे लोगों का? ऊपर जाने का बात हो जा रहा है. अच्छा, क्यों ऊपर जाएंगे वो लोग? हार्ट अटैक से जाएंगे. हार्ट अटैक सुना आपने? हार्ट अटैक. अब हम लोग थर्ड चैप्टर में चलते हैं. हार्ट अटैक चीज क्या है? आपने सुना एक हार्ट का पेशेंट है एंड सडनली ऑफ हो गया. कल उसे सारे लोग मिलके गए थे, अभी टेलीफोन में बात हुआ और दो मिनट बाद पता चला गए. कैसे हो गया? क्या हो गया? हार्ट को कोई अटैक कर देगा क्या? 50 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मारे जाते हैं इंडिया में. पर कैसे मारे जाते हैं? हार्ट अटैक है क्या चीज? हार्ट अटैक में पेन होती है, बैठे बैठे पेन होती है. अच्छा, एंजाइना में कब होता है? चलने से पेन होता है, रुकने से पेन ठीक हो जाती है. जब 70-80-90 ब्लॉकेज हो, 70. एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 70. एक बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 80. एक बोलता है मुझे नहाने धोने में दर्द है, तो मोर देन 90. और एक बोलता है मुझे बैठे बैठे दर्द है, तो 100%. याद रखिएगा, हार्ट अटैक मतलब है ब्लॉकेज इज इक्वल टू 100%. अच्छा, हार्ट अटैक धीरे धीरे होता है, सडनली हो जाता है? सडनली हो जाता है. सडनली अभी का भी हो गया हार्ट अटैक. 5 मिनट पहले मिला, 5 मिनट बाद खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गई. कैसे हो जाता है आपको याद है? अब देखिए एक बार. अच्छा, एक आदमी हार्ट का पेशेंट है, उसकी कितनी ब्लॉकेज है? 80 ब्लॉकेज है. उसको हार्ट अटैक करना, 100 ब्लॉकेज ले जाना. कितने साल बाकी है अभी उसको? 10 साल बाकी है. पता चला 10 मिनट बाद हार्ट अटैक हो गया. एक आदमी तो हार्ट का पेशेंट ही नहीं है, उसकी ब्लॉकेज 60 है, 60% ब्लॉकेज है. वो हार्ट का पेशेंट भी नहीं है, वो तो दौड़ सकता है. अच्छा, उसको कितने साल लगेगा अभी हार्ट अटैक करने? 60 है, 100 जाना है, 40% बाकी है, 20 ईयर्स बाकी है. अभी पता चला 20 मिनट्स बाद हार्ट अटैक हो गई. कैसे हो जाएगा हार्ट अटैक? आपको याद है एक पर्दा आपने बताया था हमने ब्लॉकेज के ऊपर, एक मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन
बर्स्ट कर जाता है. दिस इज व्हाट अ हार्ट अटैक इज. देखिए आपको समझ आता है कि नहीं. ये 20% ब्लॉकेज है, दिख रहा है मेम्ब्रेन ब्लॉकेज के ऊपर. ये 40% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन यहाँ पे है अभी. ये 60% 70% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन अभी भी है. और मेम्ब्रेन स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. करते करते एक दिन क्या होगा, मेम्ब्रेन बस्ट कर जाएगा. मेम्ब्रेन विल रप्चर, मेम्ब्रेन विल स्नैप, मेम्ब्रेन विल बर्स्ट. और जैसे ही मेम्ब्रेन बस्ट करेगा क्या होगा, यहाँ से केमिकल यहाँ आएगी और यहाँ पे खून जा रहा है. इस खून में क्या होगा, ब्लड केमिकल मिलेगा और केमिकल मिलते ही ब्लॉकेज हो जाएगी 100%. दिस कॉल्ड हार्ट अटैक. 100% ब्लॉकेज कितने देर में बना, 5 मिनट में. 0 से 80 आने लगा था 40 साल, और 80 से 100 आने में 5 मिनट्स, 2 मिनट्स. अब एक बात बताइए, हार्ट अटैक को रोकना कैसे है, आपका दिमाग क्या बोल सकता है. मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल सोच लीजिए. एक नोट का गड्डी है, नोट का गड्डी समझते हैं, नोट के गड्डी में रबर बैंड लगा है. मैं हर दिन उसमें नोट घुसाए जा रहा हूं, और जब रबर बैंड टाइट हो गई तो आपको मैंने पूछा क्या करूं कि रबर बैंड ना फट जाए, तो आप क्या जवाब देंगे हमको, नोट घुसाओ मत. आप ये पूछेंगे सर अभी तक रबर बैंड फट गया क्या, मैं बोला नहीं अभी तक नहीं फटी है. आप बोलिए काम करना, कल से नोट घुसाना मत, देखना फटेगा नहीं. ये काम बात ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, घुसाना बंद करो. और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं कि कुछ नोट निकाल लो कि रबर बैंड ढीला हो जाए, अब फटने का क्या चांस है, एकदम नहीं है. एंड यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं. मैं बोलता देखो अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा. कब होगा हम नहीं जानते, पर कभी ना कभी हो सकता है. आज 80 है मालूम नहीं, 90 में पर्दा फट जाए. ये पर्दा कब फटेगा हमको नहीं मालूम है. हर आदमी का पर्दा अलग अलग है, हर आदमी की मेम्ब्रेन अलग अलग स्ट्रेंथ की है. अब कब फटेगा नहीं मालूम, पर एक बात पक्का मालूम है कि आज से नोट घुसाना बंद कर दिया तो फटने के चांस कम हो जाएगा. और कुछ नोट निकालना चालू कर दिया तो आपको क्या लगता है लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं. वो जो कारण है ब्लॉकेज का उसको हटाओ और बॉडी में सप्लाई फैट का बंद करो, अब हार्ट अटैक का चांस इज ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल. और यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं. आपको क्या लगता है सही हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन सेंस के बात यही बोलता है कि नहीं, ब्लॉकेज का कारण को हटाओ और खत्म करो बात. तो ये है हार्ट अटैक रोकने का उपाय. मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट ये करते नहीं है, वो खाना पीना गलत खाते रहते हैं, दवाइयां वाइयां खाते हैं. कार्डियोलॉजिस्ट को पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई ले रहा हूं तो आपके अंडर में हो गया ना, डॉक्टर बोलता है हाँ मेरे अंडर में हो. बोलता है डॉक्टर साहब कभी हार्ट अटैक हो जाए तो आप कहां मिलोगे, मैं अभी ब्लॉकेज बढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ हमको बताओ हार्ट अटैक के वक्त आप. अच्छा कार्डियोलॉजी भी बड़ा खुश रहता है, बोलता है मेरा मोबाइल नंबर रखना, जब भी हार्ट अटैक हो मुझे इन्फॉर्म करना और मैं आपको बताऊंगा कहां पहुंचना है, और मैं भी वहीं पहुंचूंगा, फिर आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा. पर हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के पहले करने का कुछ जरूरत, आपको क्या लगता है सही बात हो रहा है गलत हो रहा है. अरे हार्ट अटैक के पहले ही रोक लो ना कि हार्ट अटैक, पर मैंने देखा आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है. एनीवे आई डोंट वांट दैट. अच्छा एक बात बताइए, ये जो पेशेंट है जिसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ये सब जानता भी नहीं है क्या, क्यों ब्लॉकेज बढ़ रहा है. कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको बता देना चाहिए कि नहीं, किस लिए ब्लॉकेज हो रहा है. अच्छा अगर हार्ट के हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वो लोग भी यही सब बात करेंगे ना आपसे, क्या लगता है, हाँ या ना, वो लोग क्या बात करेंगे. उनके पास दो प्लान है, एक है बाईपास सर्जरी और एक है एंजियोप्लास्टी. अच्छा इतनी कॉमन सी बात है ब्लॉकेज का कारण को रोको, वो इसको नहीं बता के बाईपास एंजियोप्लास्टी क्यों बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है. आगे पहले कॉमन बात बताओ फिर तो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं. वो लोग चाहते नहीं है ये सब ज्यादा, वो बोलते हैं भाई हमारी बाईपास की काम अच्छी. अच्छा वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे ये सिस्टम बन गया कि वो बाईपास एंजियोप्लास्टी की तरफ चले जाते आदमी. मैं आपको समझाता हूँ, एक आदमी है ऑर्डिनरी आदमी है, खाने में खूब चर्बी खाता है, उसको क्या मालूम इससे ब्लॉकेज होता है, सिगरेट उगरेट पी रहा है. एक दिन चलते चलते वो देख रहा है जब मैं स्पीड लेता हूं मेरे को यहां पे दर्द हो जाती है, फिर मैं रुक जाता हूं दर्द ठीक हो जाती है. कितनी ब्लॉकेज है, 80. चलने में स्पीड लेते ही दर्द हो रहा है, जब वो दादर चढ़ता है सीढ़ियां चढ़ता है उसको दर्द होता है, तो कितनी ब्लॉकेज हो गई, 80. अच्छा वो बताएगा क्या किसी को, सोचता है कि अभी तो मैंने फील किया है, अगर घर में जाके बता दूंगा घर वाले परेशान हो जाएंगे. एक तो ऐसे ही वो परेशान है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है घर पे, और मैं ये भी बता दूं तो झंझट हो जाएगा, बताता नहीं है. कितने दिन तक नहीं बताता है, 2-4-6 महीने तक वो खींचता रहता है. क्या करता है, जब भी स्पीड लेने का काम होता है बोलता है मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आप छोड़ दो जाने दो. जब दादर चढ़ना होता है तो धीरे से चढ़ता है, सामान उठाना होता है नहीं उठाता है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है. एक दिन वाइफ बोलती है आप स्पीड में चलिए,
पेशेंट बोलता है मेरे से स्पीड नहीं चला जाता, बोला क्यों, बोलता मेरे को यहाँ दर्द होती है। वाइफ बोला आपने कभी बताया नहीं, बोलता नहीं वो तो थोड़े दिन से हो रहा है ना, कुछ दिनों से। वाइफ अब छोड़ देगी वाइफ या नहीं छोड़ेगी, वाइफ बोलती है चलो कल डॉक्टर के पास जाएंगे। तो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए। अच्छा, लोकल कार्डियोलॉजिस्ट को जाके बता दिया कि डॉक्टर साहब जब मैं स्पीड लेता हूं तो यहां पे छाती में दर्द हो जाता है, फिर रुकता हूं ठीक हो जाता है। अच्छा, उनको कुछ आइडिया लग जाएगा, वो ईसीजी करके देखते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है। पेशेंट बोलता है सर ईसीजी में नहीं आएगा, आप चला के ईसीजी लीजिए तब आ जाएगा। उसको मालूम है चलने से दर्द होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट कराता है, उसमें खराबी आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट की बीमारी है या नहीं है, ऑलमोस्ट पक्का हो गया। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, बोलते देखो आपको हार्ट की बीमारी हो गई है। पेशेंट घबरा जाता है, बोलते सब क्या करूं, बोलते एक काम करो मैं एक हॉस्पिटल का नाम लिख के देता हूं उसमें चले जाओ, और एक कार्डियोलॉजिस्ट का नाम लिख के देता हूं उसके पास चले जाना, और वहां पे वो जाके एंजियोग्राफी करेंगे, उससे पता चलेगा ब्लॉकेज है या नहीं है, और उसके बाद वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी जो भी बोलेंगे वो सब करवा लेना। पेशेंट बोलता है इसका मतलब वो सब करा लो, बोला हाँ जो भी निकलेगा उस हिसाब से करा लेना। पेशेंट बोलता है सर और कोई बात, बोला एक काम कर देना मेरा, उनको बता देना मैंने ही आपको वहां पे भेजा है। अच्छा, इसका भी कुछ फायदा है ना। अच्छा, अब आप कहां चले गए नेक्स्ट डे, पेशेंट पहुंच गया हार्ट के हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेरे को छाती में दर्द होता है। कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ समझ आ गया क्या, उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया एक नया पेशेंट आ चुका है। अच्छा, वो बोलते नहीं ऐसा, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे को डाउट है ये ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा, पेशेंट खुश हो जाता है, पेशेंट बोलता है वो डॉक्टर तो मेरे को डरा ही दिया था, बोलता हार्ट की ब्लॉकेज है, और ये बड़ा डॉक्टर ये बोलता है मेरे को डाउट है। पेशेंट बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकता, अरे मैं कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, सिगरेट तो बहुत लोग पीते मैं भी पीता हूं, और चर्बी उर्बी तो बहुत लोग खाते मैं तो थोड़ी बहुत ही खाता हूं। तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं, डॉक्टर ठीक ही बोल रहा है कुछ मिलेगा ही नहीं। पेशेंट बोलता है सर कोई उपाय है पता चल जाए ब्लॉकेज कितना है। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं बस एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं आपको देख लेते हैं है या। अच्छा, पेशेंट मान जाएगा नहीं मान जाएगा, पेशेंट बोलता है सर कोई भी टेस्ट हो मैं तैयार हूं आप बोलो क्या क्या कराना है। बोलते नहीं आपको एडमिट करके आपके अंदर एक तार घुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है। अच्छा, पेशेंट फिर भी नहीं चाहता है कुछ, तो बोलते बिना तार घुसाए कुछ कर लीजिए ना, पता करना है ना ब्लॉकेज कर लीजिए आप। कार्डियोलॉजी बोलते नहीं एंजियोग्राफी बिना कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एंजियोग्राफी हो जाता है। पेशेंट बोलता है चलो एक बार करा लेते हैं फिर घर जाके सोचेंगे, ब्लॉकेज मिल तो जाए देखे तो सही कितना है फिर जाके घर में। अच्छा, पेशेंट प्लान कर लेता है, क्या प्लान करता है कि मेरी 30-40 ब्लॉकेज तो हो सकती है, मैंने गलत काम किया है, बड़े दिनों से मेरे को कोई नहीं बोला था, फैट नहीं खाना मैं खाया हूं, सिगरेट नहीं पीना मैंने पिया हूं, तो कुछ ब्लॉकेज मिलेगा। और प्लान क्या बनाता है कि घर जाके कल से सारा खाना पीना बदल दूंगा, वॉकिंग चालू कर दूंगा, एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, एकदम प्लान करके एंजियोग्राफी में जाता है कि कल खाली रिपोर्ट लेके घर जाना है। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ, एंजियोग्राफी होने के बाद रिपोर्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिपोर्ट में एंजियोग्राफी में कितनी ब्लॉकेज मिलेगी, 70, 80 एंड 90। अच्छा, जब 80 ब्लॉकेज मिल जाए कार्डियोलॉजी सडनली बदल जाता है, वो बोलते हैं यू आर वेरी लकी। पेशेंट बोलता है लकी मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको, बोला लकी इसलिए कि आप ठीक टाइम में यहां तक पहुंच गए, थोड़ा सा लेट आते तो कुछ भी हो सकता था। पेशेंट बोलता है इसका मतलब कुछ सीरियस बात है, बोला आप बचे कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, यू आर वेरी लकी अभी तक बच गए आप, अब आपका बचने का चांस बहुत कम है। पेशेंट बोलता पर हुआ क्या, बोलता 80% ऑलरेडी फिनिश्ड, बस अब बस थोड़ा सा ही है, यू आर कैरिंग एन एटम बॉम्ब। अच्छा, पेशेंट बोलता सर एक काम कीजिए आप रिपोर्ट मुझे दे दीजिए मैं घर जाऊंगा। बोलते घर आप पहुंचेंगे कैसे, उसके पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है क्या हार्ट अटैक कल होगा आज होगा, उसको तो ये भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, टू क्रिएट अ फियर, और फियर से क्या होगा फिर ऑपरेशन के लिए इमीडिएटली। बहुत सारे लोगों को इतना बोलने का जरूरत ही नहीं, वो तो इमीडिएट तैयारी हो जाता है, हार्ट का सुनते उसके मन में ऐसे ही डर रहता है, उसको ज्यादा डराने का। पर कभी कभी पेशेंट बोलता है सर एक बात बताइए ब्लॉकेज तो कल भी था, ब्लॉकेज तो आज भी है, कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था, ये पेन तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चला हूं, तो आप एक काम करिए मेरे को आप डिस्चार्ज कर दीजिए मैं घर जाके फिर सोचूंगा। बोला नहीं आप एक काम कीजिएगा आप करवट भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजिएगा। पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं तो घर जाऊंगा। बोला आप रुकिए आपके घर वालों से मैं पूछता हूं। अच्छा, घर वाले बाहर कौन कौन वेट कर रहे होंगे, सारा खानदान वेट कर रहा होगा, वहां पे जाके क्या बोलना है कि पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल एनी मोमेंट ही कैन डाई,
आप बोलो, मैं बचाने की कोशिश करूं या जाने दूं? अच्छा, आंसर क्या होगा? वाइफ क्या बोलेगी कि जिंदगी भर इन्होंने मेरे लिए किया, आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन। वाइफ बोलती है कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना है, इनको तो बचाना। अच्छा, बेटा मानेगा कि नहीं? एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब एक बार बताइए, मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या करूं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, खाने पीने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए? अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट मान जाएंगे इन सब बात में, वो बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ही इज डाइंग एंड यू आर टॉकिंग ऑल दिस रबिश। अच्छा, तब तक और जितने परिवार वाले बोले नहीं नहीं ऑपरेशन होना ही चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, बोले डॉक्टर साहब मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ, मैं तो खाली एक बार टेस्ट कराने गया था और उसके बाद वो ऑपरेशन करके ही भेजे मेरे को वापस। मेरे एक और पेशेंट थे, बोले सर मैं फिर भी नहीं कराया, मैं निकल आया। मैं बोला आप निकले कैसे? बोला मैंने बोला मैं तो नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाना है। वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे। मैं बोला मैं लिख के देता हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी वो जाने नहीं दिया। फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला देखो मैं करने तैयार हूं, पर प्रॉब्लम है मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो। तब इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर चले जाओ। फिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उन्होंने, बोला अब आप एक बार बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में इकट्ठा कर सकते हो? तब मैंने बोला देखिए मुझे प्रॉपर्टी बेच के आना होगा, 2 महीना लगेगा। फिर मुझे 2 महीना उन्होंने टाइम दे दिया, बोला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद ही ऑपरेशन होगा। आपको समझ आ रहा है ऑपरेशन कब रुक सकता है? मैं ये नहीं बोलूंगा सारे जगह एग्जैक्टली यही हो रहा है, पर इसका ही कुछ छोटा मोटा रूप ये हॉस्पिटल का सिस्टम है। पर एक बात मैं जानता हूं, हॉस्पिटल को ये चॉइस देना चाहिए पेशेंट को, देखो द ब्लॉकेज इज सो मच, दीज आर द रीजंस, आप देखो क्या चाहते हो। आप अगर अपने आप को बदलोगे तो ऑपरेशन रुक सकती है, आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर दूं उसके बाद जाके बदलने का कोशिश करो। बट द हॉस्पिटल्स डोंट गिव चांस, उनको मालूम है ये एक मौका है, ऑपरेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज तो पेशेंट को फिर भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं हार्ट के पेशेंट्स को मैं 3 चीज देखते दिखाऊं, एक तो दवाइयां हैं, एक बाईपास और एक एंजियोप्लास्टी। ये दवाइयां मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं, दवाइयां क्या काम करती है, और अनदर 10 मिनट्स आई विल टेक। देखिए ये ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और ये 80-90% ब्लॉक है, दिख रहा है आपको। अब ये पेशेंट को चलने से दर्द होता है, एक दवाई ऐसी है जो दवाई देते ये दर्द कम हो सकती है, कौन सी दवाई है? सॉर्बिट्रेट, नाम सुना आपने, क्या करता होगा सॉर्बिट्रेट? देखिए क्या करता है सॉर्बिट्रेट, दिस व्हाट इज द एक्शन ऑफ सॉर्बिट्रेट। क्या हुआ? ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लॉकेज वहीं की वहीं रह गई, ट्यूब चौड़ी हो गई, ट्यूब थोड़ा फैल गया, फैलते क्या हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई। पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पर यह दवाई का असर रहेगा 8 घंटे बाद, तो 8-8 घंटे में एक एक सॉर्बिट्रेट देनी पड़ेगी। एक पेशेंट मेरे को बोला मैं सॉर्बिट्रेट नहीं लेता हूं, मैं मोनोट्रेट लेता हूं। मैं बोला वो भी सॉर्बिट्रेट का ही भाई है। तो ये जितने भी सॉर्बिट्रेट है उनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूं, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्बिट्रेट एंड ऑल, ये सब दवाई हम लोग दे देते हैं। सॉर्बिट्रेट, इस्मो, आइसोडिल, मोनोट्रेट, नाइट्रोफिक्स, एंजिसेड, इमडूर, एंजिकोर, वेसोट्रेट, मोनोट्रेट, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्बिट्रेट, नाइट्रोकॉन्टिन, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, इस तरह की दवाइयां हम हार्ट के पेशेंट्स को दे देते हैं। और अगर ब्लॉकेज बढ़ जाए तो दवाई की मात्रा भी, आपको याद है एक स्टोरी मैंने बोला था, 6 टैबलेट दिया था एक पेशेंट को, फिर 9 दिया, फिर 12 दिया, क्या हो गया? ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट का दवाई बढ़ रहा है तो क्या समझ जाना चाहिए, उसकी ब्लॉकेज भी बढ़ रही है। तो दवाइयां मैं चाहता हूं, मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता आज दवाई लो, पर कल ये कोशिश करो कि ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो और दवाइयां धीरे धीरे कम होता जाए। एनीवे, दवाइयां बहुत सारे तरह के मिलती है, एक होता है हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देता है, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस इनहिबिटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल। कुछ ब्लड पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा नाम, इकोस्प्रीन, कोल्स्प्रीन, एएसए, डेलिस्प्रीन, डिस्प्रीन, क्लोपिक्रेल, क्लोपिलेट, क्लोपिवास, सिरुविन, क्लैविक्स, क्लोट्रेल, प्लाजरिल, स्ट्रोमेक्स, डीप्लैट, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए। पर ये गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं वो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की जरूरत पड़े ही नहीं। अच्छा, ये गोलियां इतनी खाए कि इसके साइड इफेक्ट्स होती है क्या? अगर साइड इफेक्ट होती है कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन की और गोली दूंगा, और एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी की गोली दूंगा, और नींद ना आए तो नींद की गोली दूंगा। अच्छा बताइए, बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आई एम नॉट कीन, मैं जानता हूं दवाई आज जरूरत है, पर कल दवाई की जरूरत ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलते हैं कि एंजियोग्राफी क्या चीज है। हॉस्पिटल में जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और ये एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एंजियोग्राफी। एक तार आपके पूरे बॉडी को स्क्रैच करके हार्ट तक लेके जाना है। ये तार यहां से जो घुसेगी, 1 meter wire is inserted into the body till it reaches the heart. It is a blind procedure. Blind मतलब क्या? आप घुसा दो, ये अंदर जाती जाएगी, और अगर अटक गई तो वापस खींच के फिर से ट्राई करना होगा। मतलब वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा, पूरे बॉडी को स्क्रैच करती है। और लिखवा लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये पूरे बॉडी को ये पंक्चर भी कर सकता है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के वक्त ही डेथ हो गई। एंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा अल्टीमेटली, क्योंकि वो पैर की ट्यूब को डैमेज कर दिया। तो एंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूं। और उसके बाद क्या होगा? इनएक्यूरेसी अबाउट द रिपोर्ट, और उसके बाद प्रेशर फ्रॉम द कार्डियक डॉक्टर्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। पेशेंट को लगता है मेरे को इमरजेंसी हो गया, बट इमरजेंसी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है। एनीवे, ये एंजियोप्लास्टी जो है, ये दो ऑपरेशन, दो चीज वो लोग करते हैं, एक एंजियोप्लास्टी, एक बाइपास सर्जरी। मैं एंजियोप्लास्टी 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज दिस एंजियोप्लास्टी? एक स्टेंट लगाते हैं, सुना आपने नाम, एक रिंग लगा देते हैं हार्ट में। व्हाट इज दिस? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। पिछले 20 साल में ये जो एंजियोप्लास्टी है, ये बार बार फेल किया और बार बार इसको सक्सेस बताया गया। पहले आई थी बेलूनिंग, बेलून एंजियोप्लास्टी। उसके बाद बहुत सारे तरह के एंजियोप्लास्टी आई, ऑर्डिनरी स्टेंट आई, फिर गोल्ड स्टेंट आई, फिर रोटा ब्लेडर आया, रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर एंजियोप्लास्टी आई, आजकल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट। पर ये सारे के सारे फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूं। देखिए, ये बेलूनिंग क्या चीज है? याद है आपको, एंजियोग्राफी के वक्त तार अंदर घुसाई थी, वो कहां तक गई थी? हार्ट तक, यहां तक तार आई थी। इस तार के ऊपर ये बेलून रोता है, इस तार को थोड़ा सा धक्का मारते हैं। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट तार को अंदर रख के बाहर आ जाते हैं, आके बोलते हैं देखो तार अंदर है, बोलो तभी खोल दूं। आप बोलते हैं चलो खोल दो, कितने लगेंगे? 2 लाख लगेंगे। 2 लाख दे दिया। अब ये तार को ये लोग धक्का देते हैं थोड़ा और, तो तार की जो बेलून है ये बीचों बीच आ जाती है ब्लॉकेज में। अब इस बेलून में पानी डालना होता है। ये बेलून ऐसा होता है, इसमें पानी डालते ही बेलून फूल जाती है। अच्छा, पानी कैसे डालेंगे? आपने होली में बेलून फुलाया एक सिरिंज से? सिरिंज में पानी ले लो, सिरिंज को दबा दो तो बेलून के अंदर पानी घुस जाए। तो बाहर से सिरिंज से पानी डालेंगे तो बेलून क्या होगा? फूल जाएगी। फूलते ही ब्लॉकेज कहां गई? साइड में दब जाएगा, ऊपर कंप्रेस्ड हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ड हो जाएगी। अच्छा, ये बेलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? बेलून को वहां पे 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगी, 100 हो जाएगी ब्लॉकेज। तो बेलून में पानी डाला और सिरिंज से वापस पानी खींच लिया। जैसे ही पानी खींचा, बेलून वापस चिपक गई, तार को पकड़ के बाहर निकाल लिया, एंजियोप्लास्टी ओवर। आपको समझ आ रहा क्या करना पड़ा? ये तार यहां थी, इसी को थोड़ा आगे किया, बेलून डाल, पानी निकाल लिया और ब्लॉकेज वापस। अच्छा, ब्लॉकेज वापस आ जाएगी नहीं आ जाएगी इसके बाद? क्या लगता है आपको? दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक समझते हैं आप? ये लोहा या पत्थर नहीं है, इलास्टिक है। और जैसे ही बेलून निकाल लिया, ब्लॉकेज वापस आने लग गई। थोड़े साल बाद यही कार्डियोलॉजिस्ट मान गए बेलूनिंग काम की नहीं है। पहले क्लेम किया था बेलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी भर चलेगी, फिर मान गए काम की नहीं है। फिर क्या हो गया? फिर वो बोले इसमें स्टेंट लगाना होगा। व्हाट इज दिस स्टेंट? लुक एट दिस, दिस इज अ ब्लॉकेज। दिख रहा है आपको येलो कलर की? और इसके अंदर एक बेलून डाल दिया। आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बेलून? बेलून में पानी डाला तो ब्लॉकेज कहां चलेगी? साइड में आ गई। जब बेलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आएगी। तो यहां पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग क्या काम करेगा? ब्लॉकेज को आने से रोक देगा। आपको समझ आ रहा है स्प्रिंग का मतलब क्या है? अगर स्प्रिंग डाला गया, इसका मतलब क्या है? कि ब्लॉकेज वापस आ रही थी। इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो गलत था, कि बेलूनिंग करा लो ठीक रहा। इसके बाद ये जो स्टेंट लगी, स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से ब्लड जाएगी, और फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती है। ये देखा गया है स्टेंट में 6 महीना 1 साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस। और ये जब वापस आने लगी, तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है, नहीं आती है। थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये स्टेंट तो खराब होगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें एक मेडिकेटेड स्टेंट देना होगा। वो दवाई में डाल के स्प्रिंग को निकाल लेंगे, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ड्रग की कोटिंग चल जाए। आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो वो स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं, और वो कोटिंग चढ़ा के लगा दिया। पर इसके बाद भी ये फॉरेन बॉडी ही रही, इसमें वही का वही रिजल्ट आया है। अभी लेटेस्ट है कि 66% पीपल विद इन 1 year विल कम बैक विद अ रीब्लॉकेज। पर एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये स्प्रिंग कभी ऐसा स्प्रिंग कहीं देखा है आपने? कहां पे देखा होगा? छोटी सी स्प्रिंग, बॉल पेन खोल के देखा कभी? अच्छा, एक स्प्रिंग का दाम कितना रख देना चाहिए?
बॉल पेन 2 रुपए का होता है। 1.5 लाख ठीक रहेगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक ही आदमी को 2-3-4 लगा दें तो कैसा रहेगा? अच्छा, ये 4 स्प्रिंग कितने का आ जाएगा? आपको सोच आ रहा है कैसा हो सकता है? ये लोहे की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की, कितना दाम रख सकते हैं? तो मैं सोच रहा था इतना दाम क्यों है, तो मेरे को एक पेशेंट ने बताया, बोला डॉक्टर साहब जब कोई के यहां पे रिवॉल्वर रखो तो कितना चाहोगे उतना मान लो। आप जब पेशेंट डरा हुआ है तो जितना मांगोगे उतना देगा, तो 1.5 लाख मांगोगे तो भी देगा। मेरे एक पेशेंट बोला सर मेरे से 2 ही लाख मांगा, अगर उस दिन 10 लाख मांगता तो भी मैं देता, पर उन्होंने उनको मालूम ही नहीं था इसका इतना पैसा है, तो 2 ही लाख मांगा मेरे से। बट नेवर दिलेस आई बिलीव ये स्प्रिंग का दाम इतना होना नहीं चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट आप जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट कलाम साहब, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, उन्होंने एक स्प्रिंग निकाला था थोड़े साल पहले। उन्होंने बोला ये कर क्या रहे हैं, स्प्रिंग का दाम इतना तो लूट है। उन्होंने एक स्प्रिंग निकाला कलाम स्टेंट, 5,000 या 7,000 रुपए उसका दाम रखा था, कोई भी डॉक्टर यूज नहीं करना तैयार हुआ, बोला नहीं वो स्प्रिंग काम का है ही नहीं, हमें तो 1.5 लाख की स्प्रिंग ही लगानी है। ये मेजर प्रॉब्लम है स्प्रिंग के साथ कि इतनी महंगी रखी गई है कि इसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। बट मैं समझता हूं स्प्रिंग लगाने के बाद भी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो पहले ही करना चाहिए। इसके बाद है बाईपास सर्जरी, एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। देखिए बाईपास सर्जरी मैं इसलिए नहीं चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सर्जरी है, एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के, इसको चाकू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी। आड़ी समझते हैं आप? आपने मार्बल फिटिंग के वक्त एक देखा है गोल चक्का लेके घूमते हैं, ऐसा एक लगा के ये पूरा खुलेगी, इसको इसको अंदर से ऐसे जैक करके ऐसे खोलेगा, अंदर में हार्ट को रोक के उसमें ऑपरेशन होगी, और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉडी को ब्लड जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, उसमें कुछ ब्लड डाल के उससे चलाना होगा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस। बट दिस ऑपरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लक अच्छा हो तब ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। पर ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ये देखिए ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यहीं रह गई, उसके जगह नई ट्यूब लग गई, तो ये ब्लॉकेज के जगह नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया, बाईपास हो गया। पर ये नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? ये नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है। अच्छा, अब तो 40 साल बाद ही आएगी ना, पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है? देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए, ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज हुई थी, 20 से 40 साल, तो कितनी स्पीड रही, 2 से 4% 6% पर ईयर। और एंजियोप्लास्टी के बाद अगर 2 साल में वापस रीब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई, 40% पर ईयर। और बाईपास के बाद अगर 5 साल में रीब्लॉकेज आती है तो 20% पर ईयर। जो ट्यूब ओरिजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब वो ओरिजिनल नहीं रहा। हमारी बॉडी को जब तक ओरिजिनल रखो तब तक अच्छी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2-2 बाईपास कराई है, एंजियोप्लास्टी 5 स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा, एक बार कर लिया दूसरी बार कराए, कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूं बॉडी में एक बार कॉम्प्लिकेशन कराना उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है, और इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं भी कर सकते ठीक से। पर मैं जानता हूं अगर ऑपरेशन बिना ही हमारी काम बन जाए, अगर हम लाइफस्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं तो हम ऑपरेशन क्यों करवाएं। एंड दिस इज व्हाट इज द कंटेंशन। नेवरदिलेस मैं हार्ट के पेशेंट को एक ही चीज समझाता हूं कि ब्लॉकेज अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेसी करना होगा। व्हाट इज दिस एक्यूरेसी, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एक्यूरेसी। इस पिक्चर को आपने देखा है, इसमें एक्यूरेसी लिखा है, कितना एक्यूरेसी है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये एक ड्रम है, ये ड्रम में मैं पानी भरना चाहता हूं और इसमें 15 छेद है, आप बताइए कितनी छेद बंद करने से ड्रम भरेगी? याद है 15 कारण है, अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ड्रम भर जाए? सारे को करना होगा। अच्छा, मैं हार्ट के पेशेंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में, वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी ज्यादा है। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे। बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा? मैं बोला थोड़ा थोड़ा से इतना काम नहीं चलेगा। बोलता मैं बीपी कम किया हूं पर पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं ला रहा हूं, 140 ही रखा हूं। मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए। हाँ, इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपसे कम नहीं हो रहा, मैं दवाई देके कम कर देता हूं। पर स्मोकिंग आपको पूरा ही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीना में फाइबर ज्यादा डालना होगा। अच्छा, ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? Yes, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सिगरेट बंद कर सकते? क्यों नहीं मीट बंद कर सकते? क्यों नहीं तेल घी
छोड़ के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं. तो ऑल दीज इफ यू डू देर इज नो प्रॉब्लम. नेवरदिलेस मैं जानता हूँ एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूँ. अभी एक और नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है आदमी को, मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके, ये हमारी कुकिंग की क्लास है. दिस इज अ कुकिंग क्लास. मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ. दिस इज माई डाइटिशियन टीचिंग कुकिंग जीरो ऑयल कुकिंग टू द पेशेंट्स वाइफ्स. मैं हार्ट के पेशेंट्स को योगा सिखाता हूँ. मैं बोलता हूँ कैसे भी करो योगा करो आप, योगा करने की बहुत जरूरी है. उसके साथ उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सामान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चढ़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसिन लो, कब तक लो. एंड फॉर दिस हाँ मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है साउल टाइम्स. ये मैगजीन मैं हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है हिंदी और इंग्लिश में. मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ. देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स. देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है. बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, नई ट्यूब लगा देते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है इनको जोड़ देते हैं आपस में. देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे. ये जो छोटे छोटे ट्यूब है ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं. और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास दो सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है. इसको बोलते हैं कोलैटरल. बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं. कोलैटरल मतलब क्या, ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए. तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है. ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी दे के रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना. अच्छा ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम. देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना काटे वाली टेक्नोलॉजी है. ये देखिए ये ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए. आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर. ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं. ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दो तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट के ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी. ये प्रेशर एक एक घंटे तक एक एक मिनट इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है. सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे जब पूरे ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है. एंड दिस गोज ऑन ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को. एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी. आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास. नेचुरल बाईपास समझ रहे, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है. तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी. नेवरदिलेस मैं समझता हूं मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है. कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए. मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है. मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलते आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड्स 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग. मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ. बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं. तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए और आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा.